सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमती वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोगों का आज श्रीमद् भागवत कथा का प्राय तीसरा दिवस है और हम लोग पहले दिन से ही श्रीमद् भागवत की महिमा श्री हरि नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने विशेष रूप से अजामिल उपाख्यान सुना था, उसमें नाम की महिमा बड़े सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत में प्रकाशित हुई अजामिल उपाख्यान में। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से स्वयं भगवान ने ही अपने नाम की महिमा को वर्णन किया है, कीर्तन किया है और जगत में प्रचार किया। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। भगवान ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए अपने दो स्वरूप प्रकाशित किए। श्री चैतन्य भागवत में वर्णन है, भगवान कह रहे हैं कि जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए मैं दो स्वरूपों में अवतार लूंगा। पहला अवतार है नाम रूप में, जो हम लोग हरि नाम सुनते हैं वो स्वयं कृष्ण ही है, और दूसरा अवतार है श्री विग्रह, जो ठाकुर जी की हम लोग सेवा करते हैं। सब लोग जाते हैं ना वृंदावन में, बांके बिहारी के दर्शन करके आते हैं। वो बांके बिहारी कौन है? वो स्वयं कृष्ण ही है, किंतु जो ठाकुर जी का विग्रह है उससे भी भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, ज्यादा महिमा है। क्यों? देखो बांके बिहारी का विग्रह है, वहां तो जो गोस्वामी है वही सेवा कर सकते, हम तो कर नहीं सकते वहां पर, लेकिन यहाँ बैठकर ही आप उनका नाम लेकर के उनकी यही से सेवा कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि वो जो वहां सेवा कर रहे साक्षात रूप में, उनकी अगर कुछ कामना वासना है तो भगवान उन पर कृपा नहीं करेंगे, उनको खाली पैसा धन दौलत इत्यादि प्रतिष्ठा सब दे देंगे। लेकिन जो यहाँ बैठ करके भगवान की प्रीति के लिए अगर उनका नाम लेता है तो भगवान साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। श्री हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया वो क्या करते थे? हरि नाम ही तो करते थे, वहां बैठ करके हरि नाम करते थे। वो नाम के प्रभाव से बांके बिहारी ने स्वप्न दिया उनको कि मैं यही करूं, मेरी सेवा करूं, और वही मिधुवन में वहां पर बांके बिहारी प्रकट हुए और वो हरिदास जी फिर उनकी सेवा करने लगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि विग्रह तो एक ही जगह पर है, बाकी सभी लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते, इतने सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और भी हैं। अपवित्र अवस्था में विग्रह सेवा नहीं होती, लेकिन हरि नाम के लिए तो कोई नियम नहीं है। इसलिए स्वयं कृष्ण जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अभी महाराज जी प्रतिदिन कथा श्रवण करा रहे श्री चैतन्य भागवत की, उसमें बताया कि कृष्ण क्यों महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उनके बहुत सारे कारण हैं, किंतु उसमें एक कारण है नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। जो कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, प्रत्येक युग का एक युग धर्म होता है। जैसे सतयुग का है, सतयुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में अर्चन करते थे, और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करते थे। तो भगवान जब जब देखते हैं कि कलयुग के जीव बिल्कुल विमुख हो गए हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं आकर के और नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं अथवा अपने भक्तों के माध्यम से कराते हैं। तो स्वयं श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगत में आए और अपना नाम लेकर के खुद ही नाम की महिमा दिखा रहे हैं। महाप्रभु क्या करते हैं? यही हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग जप कर रहे हैं ये स्वयं कृष्ण ने ही जप किया है। देखो हम लोग नाम की महिमा नहीं जानते, कितनी नाम की महिमा है कि कृष्ण स्वयं ही अपने नाम को कीर्तन कर रहे हैं, अपने नाम को गान कर रहे हैं और सारे भक्तों से अपने नाम को कीर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि खुद कर करके दिखा रहे। जब कभी राधा जी कृष्ण को दर्शन नहीं देती है तब राधा कुंड के तट पर बैठ करके कृष्ण स्वयं बैठ करके राधा राधा मंत्र जपते। कृष्ण स्वयं पता है कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन वो भी राधा जी के मंत्र में दीक्षित लिए।
उन्होंने गुरु अपने गुरु जी से भागुनी मुनि से राधा मंत्र में दीक्षा ली है, इसलिए वो भी मंत्र जपते हैं। कौन सा? राधा जी के नाम का। वहां भी क्या है? राधा जी का नाम। इसी प्रकार से जो राधा जी है वो कृष्ण का मंत्र जपती है। तो जो कृष्ण है स्वयं भगवान है, सारा जगत यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य अन्य जो देवी देवता है वो सब कृष्ण का मंत्र जपते हैं। महाराज जी बता रहे थे ना, पंचमुखे राम नाम जपाई त्रिपुरारी, पांच मुख से शिव जी राम जी का नाम जप करते हैं। वहां भी नाम है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते कि एक बार देवताओं में, दैत्यों में और मनुष्यों में आपस में झगड़ा लगा। सभी लोग कहने लगे रामायण पर हमारा अधिकार है, रामायण पर हमारा अधिकार है। तो फिर शिव जी के पास में बात पहुंची। शिव जी ने कहा ठीक है मैं फैसला करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम लोगों को मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है आपको जो चाहिए दे देंगे। तो 1,00,000 रामायण में श्लोक है वो शिव जी ने बांटना शुरू किया। पहले 30,000 तीनों को दिया, 90,000 हो गया, 10,000 बचा, फिर 3,000 दिया, कितना बचा? 1,000। फिर 300 बांटा, कितना बचा? 100। फिर 30 बांट दिया, 10 बचे, 10 में फिर से 3 बांट दिए, 1 श्लोक बचा, अंत में 1 श्लोक बचे। वो जो 1 श्लोक है जो गीता जिसने पढ़ी होगी ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, उसमें 4 चरण होते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते 1 चरण, माँ फलेषु कदाचन 2 चरण, माँ कर्म फले हेतुर्भु 3 चरण, माँ ते संगोष्ठ अकर्मणि ये 14 चरण। तो ऐसे 4 चरण होते, तो 4 चरण में से भी 1 चरण तीनों को बांट दिया। अब एक ही चरण में वो 1 चरण जैसे बताया, अभी संस्कृत में क्या होता है, ये श्लोक होते हैं कि मात्रा होती है, जैसे 4 चरण होता है ना, तो हर चरण में 8 मात्रा होती है। पहले चरण में 8 है, दूसरे चरण में 8 है, तीसरे में 14 में 8। अब 8 अच्छा रहेगा, 8 में से फिर 2 करके बांट दिए, बचे 2। शिव जी ने कहा देखो मैंने बड़ी मेहनत करी है तुम लोगों के बांट करने में, इसलिए ये जो 2 बचे हैं ये मेरे हैं, बाकी सब तुम्हारा। और वो था राम, जो भाग जो वाल्मीकि जो रामायण है उसका सार क्या है, वो राम नाम, वो तो शिव जी ने अपने पास रख लिया और बाकी सारी चीजें बांट। ये बहुत शिक्षाप्रद बात है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिल्मी कीर्तन सुनते हैं, उन फिल्मी कीर्तनों को सुनने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं। जिन कीर्तन में भगवान के नाम की बात है ही नहीं, वो कीर्तन बिल्कुल प्रजंड के समान है। जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में जो बातें होती है उससे कोई फल नहीं है। अखबार पढ़कर के किसी को सिद्धि होती है, भगवान की प्राप्ति होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का नाम नहीं है। तो इसी प्रकार से जिस कथा में भगवान का नाम नहीं है, जिस कीर्तन में भगवान का नाम नहीं है, भागवत में ये सब श्लोक है, ये सब बातें वर्णन है, वो सब व्यर्थ है, अर्थात उसका कोई भी सार नहीं है। सार है भगवान का नाम। तो इसलिए स्वयं कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने ही नाम को कीर्तन कर रहे हैं, अपने नाम का ही प्रचार कर रहे हैं। और उस नाम के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, सारे जगत को ही प्रेम में डुबो दिया, प्रेम की बाढ़ ला दी। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जा रहे थे, यही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए अपना प्रेम में आनंद से नाचते हुए, तो उनके साथ में एक सेवक और थे। वो देखा महाप्रभु जा रहे, सामने बाघ खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है, और वो तो डर रहा है। अब लेकिन महाप्रभु तो प्रेम में आविष्ट है, अब कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु आगे गए और बाघ ने जब महाप्रभु के दर्शन किए, उसी समय बाघ भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र, हम लोग को विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं ना। जैसे कल कथा में बताया था ना कि हम लोगों को नाम की महिमा पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा कि प्रभुपाद के नाम में कितनी शक्ति है, भूत भी भाग जाते हैं, उनको विश्वास हो जाएगा। उसी प्रकार से वहां पर जो भक्त थे जिन्होंने साक्षात रूप में देखा कि महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे हैं तो वो बाघ भी कीर्तन करने लगा, कैसे गोरो गोरो नहीं, हरे कृष्ण जो महामंत्र है वही उच्चारण कर रहा है। वहां पर हाथी है वो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रहा है, सांप हिरन, जो देखो बाघ और हिरन का कैसा है, परस्पर शत्रुता है, किंतु जब महाप्रभु के नाम संकीर्तन के प्रभाव से दोनों हरि नाम महामंत्र कर रहे हैं,
और जो लोग वहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो वहाँ चले जाना। आज भी वहाँ पर बाघ के चिन्ह है और पत्थर के ऊपर हाथी के चिन्ह है, और तो जो सांप है ना, सांप ऐसे टेढ़ा होता है, वो सांप का भी चिन्ह है पत्थर के ऊपर। बहुत से लोग जो जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूर में एक स्थान है अलारनाथ। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रेम में आविष्ट होकर के महामंत्र करते हुए प्रणाम किया था, और वो साथ ही साथ में ही वो जो पत्थर है वो पिघल गया, और उस पर महाप्रभु के शरीर के जितने भी अंगों के जो चिन्ह है, माथे का, घुटने का, वक्ष स्थल और इस प्रकार से सारे के सारे चिन्ह वो पत्थर के ऊपर आज भी विराजमान। और तो छोड़ो, जगन्नाथ मंदिर के अंदर में ही जहाँ पर महाप्रभु ने ऐसे करके वो पत्थर को ऐसे स्पर्श करके और जगन्नाथ जी के बड़े दूर से ही गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन किए थे, उस समय उन्होंने ऐसे दीवार पर हाथ रखा हुआ, तो उनके प्रेम के प्रभाव से वो जो पत्थर है वो पिघल के उनकी जो उंगलियों के निशान है वो आज भी वो पत्थर के ऊपर गिरा। तो महाप्रभु क्यों करना ये सब, वो स्वयं कृष्ण है, उनको किसी मंत्र की जरूरत है क्या? अपने ही मंत्र की महिमा अर्थात अपने ही नाम की महिमा की कम से कम लोग अब तो समझे कि कलियों के जीव जो बिल्कुल विषयों में डूबे हुए हैं, इनके लिए कोई भी साधन संभव नहीं है। कल बता रहे थे ना प्रभु, थोड़ी देर बैठे तो घुटना दर्द करने लगता है, तपस्या क्या करेंगे, पीठ दर्द करने लगती है, नींद आ जाती है कथा सुनते हुए, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर घुटना दर्द करता है टहलते हुए हरि नाम करो, कोई असुविधा नहीं, हरि नाम में कोई विचार नहीं है। लेकिन बाकी जो मंत्र है वो सब टहलते हुए नहीं जप सकते, उसके लिए एक आसन पर बैठ करके जप करना पड़ता है। अर्चन इत्यादि ठाकुर जी की सेवा टहलते हुए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन हरि नाम कर सकते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो वो नाम की महिमा का प्रचार किया ही, और उसके अलावा अपने भक्तों के माध्यम से भी करवाया। उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद प्रभु को कहा, जाओ तुम लोग जाकर के हरि नाम की महिमा का प्रचार करो। श्री हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा का प्रचार किया, इसलिए महाप्रभु ने उनको उपाधि स्वयं प्रदान की नामाचार्य। कैसी नाम की महिमा है, श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से महाप्रभु ने जगत को प्रकाशित। एक बार श्री हरिदास ठाकुर जी एक सभा में गए, जैसे धर्म सभा होती है ना, उसमें पहले अब तो होती नहीं है, उसमें विचार होता है शास्त्र के तात्पर्य के बारे में कि शास्त्र में नाम की जो महिमा है वो वास्तव में नाम का क्या फल है। इस विषय में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडित लोग, ब्राह्मण, शास्त्र के ज्ञाता, कोई कह रहा था नाम करने से सारे पाप खत्म हो जाते, सारे पाप नष्ट हो जाते, ये नाम की महिमा। कोई कह रहा था नाम करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे। उसी समय श्री हरिदास ठाकुर जी वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे, क्योंकि सभी जानते हैं हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख नाम करते। महाराज जी ने बताया था ना, 64 माला करने से 1 लाख नाम होता है, ऐसे 64 64 64 3 बार नाम करते थे। 3 प्रकार का नाम होता है, एक होता है वाचिक, वाचिक नाम कैसे होता है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं सभी लोग सुनेंगे, सब लोग बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। मैंने बोला सभी ने सुना, ये वाचिक होता है। दूसरा होता है उपांशु, उपांशु में क्या है कि मैं जब करूंगा केवल मुझे ही सुनाई देगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ अब और किसी को सुनाई नहीं दिया। तो ऐसे करके 64 माला जो हरिदास ठाकुर है वो वाचिक करते थे अर्थात सबको सुनाई दे, 64 माला करते थे उपांशु अर्थात वो बोल रहे हैं उनको ही सुनाई देगा, और 64 माला करते थे मानसिक, मानसिक में होंठ भी नहीं हिलते, केवल मन से ही भगवान के जो नाम है उसका स्मरण किया जाता है और उसी को मन से ही कीर्तन किया जाता है। ऐसे करके हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन 3 लाख नाम करते थे, उनका तो नाम ही सिद्ध हो गया। तो इसलिए जब वो सभा में आए तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए और सभी उनसे पूछने लगे कि हम लोग तो केवल शास्त्र में ही पढ़ा है नाम की ये महिमा है, किंतु आपने तो साक्षात अनुभूति किया, इसलिए आप बताइए कि नाम की क्या महिमा है। तो वहां पर कोई ब्राह्मण, जैसे बताया बड़ा पंडित ब्राह्मण था, गोपाल चक्रवर्ती नाम था उसका,
बड़ा सुंदर था। वो कह रहा था कि नाम करने से मुक्ति मिल जाती है, इस प्रकार से लोग कह रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ये नाम का फल नहीं है, नाम का फल है कृष्ण प्रेम। नाम के गौण फल से रहता, नाम के आवाज से ही मुक्ति हो जाती है। क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्य निकलता है ना, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य का मुख्य फल क्या है? अंधेरा दूर करना। अंधेरा तो अपने आप ही दूर हो जाता है, सूर्य को अंधेरा दूर करने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। सूर्य का मुख्य फल क्या है? उससे देखो ताप होता है, जितने सारे कपड़े हैं जितनी गीली गीली सब चीजें सूख जाती है। और उसके गौण फल के रूप में अंधेरा तो अपने आप ही कब दूर हो गया पता ही नहीं चला। यहां तक कि अभी सूर्य निकला भी नहीं, सूर्य निकलता नहीं है, उससे पहले ही हम देखते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता। उसी प्रकार से जो नाम प्रभु है उनके उदित होने से पहले ही जितने पाप है ये सब नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब वो जो गोपाल चक्रवर्ती था वो कहने लगा, नहीं देखो कैसा आदमी है ये, कितना भावुक है, कितनी नाम की अति महिमा बता रहा है। अरे जो मुक्ति लोगों को लाखों लाखों साल तपस्या करके भी नहीं मिलती है, ये कहता है नाम के आवाज से ही मिल जाती है, नाम के गौण फल से ही मिल जाती है। तो उसने हरिदास ठाकुर को चैलेंज कर दिया कि अगर नाम के आवाज से मुक्ति ना होती हो तो मैं तुम्हारा नाक कान काटना पड़ सकता। कैसे बोलती? तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, अगर नाम के आवाज से मुक्ति नहीं होती हो तो मैं अपना नाक कान खुद ही काट दूंगा। ऐसे करके हरिदास ठाकुर ने बोल दिया, वो सभा में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे देखो अब तो इसका तो ये अपराध हो गया, इतने बड़े साधु नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनके चरणों में अपराध। तीन दिन के बाद में वो जो गोपाल चक्रवर्ती था उसके कुष्ठ गलित हो गया, नाक उसकी बड़ी सुंदर थी वो गल करके गिर गई, और ये जो उंगलियां है ना बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी उंगलियां थी वो सब गल करके गिर। नाम की इतनी महिमा है कि जो नाम कर रहा है अगर उसके प्रति कुछ भी बोल दिया किसी ने तो नाम प्रभु बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, भगवान बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, उनके प्रति कुछ बोलना नहीं चाहिए। और नाम की महिमा बताया ना, देखो हरिदास ठाकुर ने जो बताया कि नाम की कितनी महिमा है, नाम करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाती है। जब हरिदास ठाकुर थे वो मुस्लिम कुल में जन्म लिया उन्होंने, इसलिए जो वो हरि नाम करते थे तो बाकी सारे मुसलमान लोग हैं वो उनका विरोध करने लगे कि अरे ये एक तो खुद बिगड़ रहा है, दूसरा हमको और बच्चों को भी बिगाड़ेगा। जैसे था ना कोई एक बच्चा गलत काम करके आया तो सबको बिगाड़ दे। ऐसे ही जब वो छोटे से थे तभी से हरि नाम करते थे, तो जो समाज के लोग हैं मुस्लिम लोग उन्होंने कहा कि इसको देख देख करके हमारे बाकी बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, वो सब ये हिंदू का नाम करने लगेंगे, ये मुसलमान होकर के खुदा का नाम नहीं लेता, हिंदुओं का नाम लेता। तो वहां का जो काजी था उसने राजा से शिकायत कर दी, और राजा से शिकायत करके राजा ने हरिदास ठाकुर को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम इसको नाम को बंद क्यों नहीं करते, तुम तो मुसलमान हो ये हिंदुओं का नाम क्यों लेते हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा देखो मेरे बस में नहीं, मैं तो कोशिश करने पर भी ये हरि नाम को रोक नहीं सकता, यहाँ बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है, पूरा ध्यान से सुनना। उसके बाद में वो राजा ने कहा कि अगर तुम नाम करना बंद नहीं करोगे तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो मेरे शरीर के चाहे खंड खंड भी कर दो किंतु मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। उसके बाद में राजा ने आदेश दिया, बंगाल में उस समय 22 बाजार होते थे, जैसे बाजार होता ना एक बाजार दो बाजार, कोई चोरी करता था कुछ गलत काम करता था उसको राजा दंड देता था, जाओ इनको कोड़े मारते हुए बाजारों में घुमाओ जिससे बाकी सब लोग देखेंगे तो वो भी वो गलत काम फिर नहीं करेगा इसके लिए, और जिसको मारते थे वो एक बाजार दो बाजार तीन बाजार में ही मर जाते। हरिदास ठाकुर को वो मुसलमान लोग कूड़े मार रहे पीठ के ऊपर और उनका नाम तो कम नहीं हो रहा है, वो नाम और उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, इस प्रकार से हरिदास ठाकुर और उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे, उनके कोड़े पड़ते जा रहे। अब देखो नाम की कितनी महिमा, इस बात को अब समझ। अभी बताया स्वयं चैतन्य महाप्रभु नाम किसका ले रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। अब कृष्ण देख रहे हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है और इसको कष्ट हो रहा है तो कृष्ण से सहन नहीं हुआ,
अभी बताया था ना गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर का थोड़ा सा निंदा किया था, उससे उसका पूरा शरीर गल गया। तो साक्षात उनको हरिदास ठाकुर को कोई पिटाई करेगा तो कृष्ण कैसे सहन करेंगे। इसलिए कृष्ण स्वयं आ गए सुदर्शन लेकर के, और सुदर्शन चक्र छोड़ने ही वाले थे, आज मैं इन यवनों को पूरा सुदर्शन से काट डालूंगा। उसी समय हरिदास ठाकुर जी, देखो साधु का कैसा चित्त होता है, हरिदास ठाकुर जी को वो मार रहे मुसलमान, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अगर मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी भजन किया है तो आप इनको क्षमा करो, आप इनको दंड मत देना, आप इनका अपराध मत लेना। कृष्ण सुदर्शन छोड़ने वाले, हरिदास ठाकुर ने तो हाथ बांध दिए कृष्ण के भी, तो प्रार्थना कर रहे कि इनको दंड मत दो, इनको मत मारो। तो कृष्ण अब क्या करे, भक्त को कष्ट हो रहा है, भक्त को कष्ट हो रहा है, वो भी सहन नहीं कर सकते, अब करें तो क्या, और सुदर्शन भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि भक्त ने प्रार्थना की। तो भगवान ने क्या किया, अपने भक्त का कष्ट स्वयं ग्रहण कर लिया। भगवान स्वयं आकर के हरिदास ठाकुर के पीठ, जो पीठ है उसको चारों से ऐसे आलिंगन कर लिया। अब कोड़े किसको पड़ने, कृष्ण को। सोचो कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति है कि हरिदास ठाकुर जो उनका नाम लेते हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं उनके कोड़े भी खा लिए यवनों के मुसलमानों के। भगवान को कोई स्पर्श भी कर सकता है क्या, बड़े बड़े असुर रावण इत्यादि उनको भगवान क्षण क्षण में मार देते हैं। कंस को तो मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो भय से ही मर गया था। भगवान की इतनी शक्ति है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए भगवान कोड़े भी खा रहे। और ये बात महाप्रभु ने स्वयं बताई थी, एक बार जब सभी भक्तों को बुला करके कृपा कर रहे थे तब हरिदास को भी बुलाया, कहा हरिदास तुम्हें याद है जब यमन तुम्हें मार रहे थे, तो कहा प्रभु याद है, उस समय तुमने मेरे हाथ रोक दिए थे, मैं सुदर्शन लेकर के आ गया था लेकिन तुमने मेरे हाथ रोक दिए और मैं पर सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने खुद वो सारे कोड़े खा लिए। और महाप्रभु ने फिर अपना पीठ दिखाया, वो पीठ के ऊपर सारे भक्तों ने देखा कि कोड़े के निशान पड़े। तो देखो जो नाम करता है भगवान उसकी रक्षा के लिए क्या नहीं कर देते, यहाँ तक कि स्वयं मार भी खा रहे, ऐसा अवतार कभी देखा क्या, और नाम की ऐसी महिमा कभी सुनी। और नाम के प्रभाव से हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और अंत में वो 22 बाजार में मारते मारते थक गए, हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ। तो उनसे प्रार्थना करने लगे कि अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई तो ये जो राजा है वो हमको ही मार रहे, जो जल्लाद मार रहे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, अगर मेरी मृत्यु से ही तुम्हारा जीवन अच्छा होती है तो मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने बैठ करके वही समाधि लगा ली, उन लोगों ने सोचा मर गए, उठा करके गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी में फेंका बस उनकी समाधि भंग हुई, और फिर से तैर करके दूसरी ओर चले गए। जो शरीर था पूरा, जो कोड़े मार मार करके पूरी चमड़ी खत्म हो गई, केवल हड्डियां हड्डियां रह गई, वो फिर ठीक हो गया। देखो नाम की महिमा, कितनी नाम की महिमा है। हरिदास ठाकुर ने ये सब कुछ स्वयं अपने उसके माध्यम से दिखाया। इसमें हरिदास ठाकुर जी की बहुत सारी लीला हम लोग फिर और धीरे धीरे श्रवण करेंगे। तो विशेष बात क्या है कि भगवान को अपना नाम खुद से भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए जो भगवान का नाम लेता है खुद से ज्यादा कैसे प्रिय। देखो हरिदास ठाकुर के लिए खुद मार खा रहे ना, क्योंकि हरिदास ठाकुर उनका नाम करते हैं, इसीलिए जो भी नाम करता है उसको भगवान स्वयं आकर के रक्षा करते हैं। वो अपेक्षा नहीं रखते कि देवताओं को बोलेंगे कि तुम जाकर के इनकी रक्षा करो, भगवान स्वयं ही चले आते। द्रौपदी की भी इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, महाराज जी अभी सुनाएंगे। इसीलिए सभी लोग देखो, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने पढ़ाई करने वाले हैं, और जितने भी हैं, चाहे वो घर में रहते हैं चाहे नौकरी करते हैं, आपको घर में कथा हो रही है पहले आपको सुननी चाहिए। जब भी टाइम मिले तो हरि नाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में इसके अलावा और कोई साधन नहीं है और कोई उपाय नहीं है, और इससे अधिक भगवान और किसी चीज से भी प्रसन्न नहीं होते। यहाँ तक कि मैंने बताया कि इससे बढ़कर के भगवान और क्या करके दिखाएं, जैसे बताया जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो स्वयं आचरण करके दिखाते। कृष्ण ने आचरण करके नहीं दिखाया, कृष्ण अपना नाम खुद नहीं जपा, लेकिन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो आकर के स्वयं करके दिखा रहे हैं कि देखो बिना नाम के गति ही नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी करना ही पड़ेगा। इसीलिए सभी लोगों को हरि नाम करना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम लोग महाराज जी से और नाम की महिमा के बारे में सुनेंगे। वाल कृपा
आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कटियाल बॉबी, बॉबी नाम है बॉबी, सुनील सुनील कटियाल। सुनील, देखो हमारे सुनील गुरु जी आज अपना घर में सत्संग रखवाए, आप सबको अपने घर में बुलाए, बोले सबके सब आओ, वृंदावन में से संत लोग आए, आज हमारे घर में सत्संग हो रही थी, घर में प्रोटा कीर्तन और भगवान का नाम हो रहा। देखो ये भागवत में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, जिनके घर में संत लोग आए, जिनके घर में हरी चर्चा हरी कथा हो, कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्तु तत्र यथाचुताग्र कथा प्रसन्न। इसका मतलब है जिस घर में भगवान की कीर्तन कथा हो गई ना, देखो पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, ठीक है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, कहते पृथ्वी में कितना तीर्थ आपको पता है? कितना तीर्थ है? कहते 6 अरब। कितने? 1 अरब कितना होता है बोलो? 100 करोड़ होता है। कहते जिस घर में हरि कीर्तन कथा हो, कहते उस घर में 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ उसकी घर में आकर के निवास है। ये भागवत कहता है उसी घर में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या वैष्णवी देवी जो जाते हैं ना ग्रंथ दर्शन करने के लिए, भागवत कहता कहता भागवत कहता जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो गई वो सारे तीर्थ तो उसी घर में आकर के बैठ गए। और हम बैठ बैठ कर आप बताओ अगर 6 अरब मतलब 6 करोड़ तीर्थ में अगर घूमना चाहोगे तो बताओ कितना पैसा लगेगा? बोलो कितना पैसा लगेगा? अरब खरब रुपया में भी अब तुम सारे तीर्थ को नहीं कर सकते हो। लेकिन भागवत कहता है जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो ना उसी घर में आप बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में स्नान कर लिया, सारे तीर्थ तुम्हारी होगी। लेकिन कहते तो उससे भी ज्यादा महत्व, क्यों? अगर आप किसी तीर्थ में जाओगे जैसे हम कहते ना चलो गंगा नहा करके आएंगे पाप धोल करके आएंगे, लेकिन फिर आकर के फिर वही झूठ बेईमानी उल्टा पुल्टा फिर उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दो, सारे तीर्थ घुमाए, फिर घर में आकर के जैसे हाथी को ना एक तालाब में लेकर अच्छे तरह से मल मल करके स्नान करा दो। लेकिन हाथी का एक स्वभाव है जब वो पानी से उठेगा ना सबसे पहले धूल मिलेगा, अगर धूल नहीं मिलेगा तो पैर में रोद रोद कर धूल बढ़ाएगा और सूंड में लेकर फर करके सारा शरीर में लगा करके बढ़ जाएगा। ये हाथी का स्वभाव है कि तीर्थ जाने से थोड़ी पाप तो दूर हो जाता है लेकिन हृदय परिष्कार होता है, हृदय निर्मल नहीं होता। लेकिन सत्संग में कहते पाप तो दूर जाएगा यहाँ तक भी तुम्हारी हृदय धुल जाएगी, हृदय पाप से नष्ट हो जाएगी, हृदय में ठाकुर जी बैठ जाएंगे और संपूर्ण रूप में आपका जो जीवन है भगवान का प्रेम और भक्तिमय बन जाएगा। इसलिए शास्त्र में सत्संग की इतनी महिमा बताई जो सोच भी नहीं सकते हो, इतने सत्संग की महिमा बताई। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं हे पार्वती सत्संग की दुर्लभ संसार निमिष दंड भर एक बार, ये शंकर जी वैष्णवी देवी को कह रहे हैं, हैं बल पार्वती जगत में सब चीज मिलती है पार्वती, लेकिन पार्वती सत्संग की दुर्लभ संसार, संसार भी सत्संग बड़ा दुर्लभ है। देखो माता वैष्णवी देवी क्या कहती, बोले कहा सत्संग दुर्लभ है, सुनील प्रभु सुनील है ना, इन्होंने बोले ना सबको निमंत्रण दिए होंगे, देखो वृंदावन से भक्त लोग आएंगे आज घर में बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी बना रहे हैं, सबको प्रसाद मिलेगा, आओ घर में सत्संग होगी कथा सुनने के लिए आओ, सबको बुलाया ना। इसलिए पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ नहीं तो सुलभ हो गया, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती कहते आप सरअती कठिनाई राम कृपा बिनु आके न जाए। शंकर जी कहते पार्वती सत्संग में आना बड़ा कठिन, पार्वती आप यही सर अति कठिनाई बहुत कठिन है, लेकिन राम कृपा बिनु पार्वती आई न जाए। जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं होना पार्वती सत्संग में कोई नहीं आएगा। अगर इसको पता चलना शाहरुख खान आ रहे, हेमा मालिनी आ रही, ऐश्वर्या राय आ रही हमारे सुनील जी घर में, ठीक ना, अगर बोल के एक अगर बाहर में जाएगा ना सवेरे से भीड़ लगना शुरू हो जाएगी, एयरपोर्ट पे लाइव लग जाएगी, टिकट भी नहीं मिलेगा तुमको देखने के लिए, हो जाएगा कि नहीं?
लेकिन ये शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर बोलो भाई सत्संग में आओ ना तब आएंगे, जब कथा खत्म वाली जाएगा सत्संग तभी एक एक करके आएंगे। अगर सिनेमा जाओ तो कब जाते हो, पहले जाते ना लास्ट में जाते हो, कब जाते हो सिनेमा अगर जाते हो देखने के लिए, पहले जाते हैं ना लाइन में लगते हैं टिकट बनाते हैं, अगर गद्दी से गद्दी फिली अगर टिकट नहीं मिलेगा ना लास्ट में टिकट बनाएंगे, लेकिन वहां बैठ बैठ करके बुद्धि खराब पैसा खराब नरक का रास्ता साफ कर जाएंगे। लेकिन अगर बोलो भगवान की कथा सत्संग हो रही है जिसमें जीवन का कल्याण शांति सुख हो, शंकर जी कहते पार्वती आवत यही स्वर अति कठिनाई, पार्वती सत्संग में कोई नहीं आएगा, लेकिन कौन आएगा शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर वही पाप दे संगत सोई, हे पार्वती जिसके ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो पार्वती तभी ये सत्संग मिलेगा, क्योंकि बिनो सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई है। और जीवन में सत्संग मिल गया, हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन जानते हो हनुमान का नाम, हाथ उठाओ के हनुमान का नाम कौन सुने, सब सुने। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए, जब उन्होंने ऊपर से उन्होंने क्या देखा, ऊपर तुलसी को उन्होंने बगीचा बाग को उन्होंने तुलसी बाग को देखा, तुलसी बाग देख करके उनको पता चला भैया कोई भगत जरूर होगा, कोई ये भगत होगा, क्योंकि जो तुलसी की बगीचा केवल संतों की दरबार में होता है, इसलिए हनुमान किधर आ जाओ बाबा, इसलिए उन्होंने केवल ये तुलसी बाग को देख करके हनुमान जी नीचे उतरे। जब हनुमान जी नीचे उतर, ध्यान देकर सुना, जब उन्हें नीचे उतरना उन्होंने देखा, फिर देखा क्या, घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ था बोलो जोर से, बोले भैया लगता है तो भाई राम का भगत है, देखो यहाँ क्या शिक्षा देते हैं, लिखा हुआ था श्री राम भवन, श्री राम भवन, बोले भैया लगता है कोई भगवान की भगत होगा, क्योंकि यहाँ पर शंकर चक्र गदा पद्म का चिन्ह और श्री प्रभु मेरे प्रभु राम का नाम, देखो यहाँ शिक्षा देते हैं जो घर का नाम है ना अपना नाम मत दिया करो, अगर नाम बना तो ठाकुर का नाम हो, घर किसने दिया है, किसकी घर है, किसकी कृपा से हमें घर मिला है, बोलो ठाकुर जी कृपा से, हम भी गए पिताजी के पिताजी पिताजी भी गए, घर जहाँ के नाम पड़ा हुआ, जहाँ के तरह घर पड़ा हुआ है, इसलिए नाम रख दो ठाकुर जी की नाम पर, ठाकुर जी का नाम रखो। जब उन्होंने देखा श्री राम है लिख रहे ना, किसने बोलते हैं किसने जाकर के रावण से चुगली की, बोले राम, बोले रावण तू तो राम के साथ में शत्रुता करते, बोले हाँ, बोले तेरे घर में राम का सबसे बड़ा भगत तेरे घर में, बोले पता कैसे चला, बोले जाओ तेरे सगे भैया विभीषण को जाकर के देखो, तेरे सगे भैया विभीषण को जाकर के देखो उसको घर में सामने क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ भैया रावण दौड़ दौड़ करके सचमुच से लिखा हुआ श्री राम, बोले विभीषण इधर, बोले क्या भैया, बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे घर का नाम रख दिया, बोले कहा लिखिया लिखा हुआ श्री राम भगवान। देखो यहाँ पर विभीषण बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं ना, भक्ति करने वाला को कैसे भक्ति करनी चाहिए ये विभीषण शिक्षा देता है, बोले कहा श्री राम नाम लिखा, बोले क्या लिखा हुआ श्री राम भवन तुमने लिख दिया, इतने में विभीषण कहता है मैं कहा राम भवन, बोले क्या लिखा हुआ, बोले मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ ना इसलिए नाम लिखा, बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या है श्री रावण, रावण का पहला अक्षर क्या है, बोलो रावण का पहला अक्षर क्या है रा, और आपका पत्नी का नाम, रावण का पत्नी का नाम क्या था मंदोदरी, मंदोदरी का पहला नाम क्या है, क्या नाम है बोलो जोर से, हाँ फिर क्या हुआ श्री राम, राम मतलब रावण और मंदोदरी, बस रावण खुश हो गया, रावण तो खुश हो गया। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं जो भक्ति करना है ना, माता जी आप चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो मैं बता दूंगा, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जिसको भक्ति करना है ना ये भक्ति छुपा कर करो, क्यों कभी कभी क्या होता है ना बेटा अगर सिगरेट पीता है ना शराब पीता है कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर थोड़ी सी गले में कंटी तिलक लगा दिया बोले तेरे कोई उम्र है भजन करने का, बोले किसी कोई उम्र तेरे भजन करने का, अभी से कंटी माला क्या लगा दिया, लेकिन शराब पीता ना भरी खूब
बेटा थोड़ा अनुभास सिगरेट और भी बढ़िया है, ये जगत बड़ा विचित्र जगत है। उसे समय जिस समय श्री हनुमान जी उसने सोचा हो ना हो मेरे को तो भ्रमितया नहीं कर रहे, ये तुलसी के बगीचा है, राम का नाम शंखचक्र गदापद में है। हनुमान जी ने सोचा मेरे को तो कोई भ्रमितया तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं हनुमान जी, अब रामायण देखे होंगे हनुमान जी सुखमर गुदान किया अंदर में प्रवेश किया, देखा विभीषण की रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, उनका राम का नाम निकल रहा था। बोले ये पक्का भक्त है, क्योंकि किसी कपटी व्यक्ति की रोम रोम से कभी राम का नाम नहीं निकल सकता है, जरूर राम का कोई पक्के भक्त है। अब रामायण से देखे होंगे हनुमान जी दरबार में निकल गए, फिर विभीषण आए, जब विभीषण आए तब हनुमान विभीषण से वार्तालाप हुई, अपना अपना परिचय दिया, बोले मैं विभीषण ब्राह्मण का छोटा भाई हनुमान, बोले मैं राम का भक्त हूँ, मैंने माता सीता को ढूंढने के लिए आया। जब विभीषण को ये बात पता चला राम के सबसे प्यारे भक्त कौन है, श्री हनुमत लाल जी, उसी समय में देखो विभीषण क्या कहता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताए, बोले आज मैं भा भरोसा हनुमंता बिनो हरि कृपा बिना मिल ही नहीं सकता, आज मेरे ऊपर में लगता है प्रभु राम की कोई विशेष कृपा, क्योंकि जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं होना जीवन में कोई संतों का दर्शन भक्त दर्शन नहीं होता है। अगर जीवन में कोई संत दर्शन हो गया भीमसेन कहता है समझो भगवत प्राप्ति में और कोई देर नहीं, ठाकुर जी हमें जल्द से जल्दी ठाकुर जी मिलने वाले, इतने सत्संग की महिमा। इसलिए हमारे सुनील प्रभु जी आज अपना घर में भक्तों को बुलाया, घर में सत्संग रखाया, केवल इतना नहीं इन्होंने घर में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था किया है, सभी के लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था किया, इसलिए आप इनके लिए ताली जोरदार बजाओ, धन खुशी रखेंगे ठाकुर जी, इनको खूब खूब धन संपत्ति दे, खूब फलते फूलते रहे और ऐसे ही उन्होंने भगवान की सेवा करते रहे। देखो जो पैसा है ना, ये पैसा का नाम लक्ष्मी है, क्या नाम है आप बताओ, लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी ठाकुर के ना नारायण का ना, लक्ष्मी हमारी है, बोलो किसकी लक्ष्मी है, नारायण। ये लक्ष्मी जब सचमुच सब नारायण की सेवा में ठाकुर को सेवा में लगता है ना, फिर लक्ष्मी बड़ी खुश होती, आशीर्वाद देता, बेटी बेटा तुम खूब भलते भूलते रहो, खूब जीवन में सुखी रहो, क्यों वो लक्ष्मी को तुम ठाकुर को सेवा में लगाए, अगर लक्ष्मी को कोई गलत काम में लगा दिया, शराब पीना में लगा रहे हो, मांस खाने में लगा रहे हो, जुआ खेलने में लगा रहे हो, उल्टा पुल्टा चीज में लगा रहे हो, लक्ष्मी सुखी नहीं होती, लक्ष्मी दुखी हो जाती, लक्ष्मी दुखी हो जाती और अभिशाप देती है। ये हमारे गुरु जी कहते थे अगर लक्ष्मी अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही, कई गलत काम में लग रही है, कहते उसको घरे भले अरब खरब रुपया आ जाए तेना घर में शांति सुखने, फिर लक्ष्मी को गलत काम पर लगा रहे हो, घर में लड़ाई लगा देगी, कोर्ट कचहरी लगा देगी, नहीं तो इतना बड़ी बीमारी लगा देगी, सारे पैसा उधर भेज जाएगी, घर में शांति सुख नहीं लगती, बहुत में लड़ा देती थी, भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, इतने दुख कष्ट लक्ष्मी ले आएगी, घर में परेशानी परेशानी कर देगी। लेकिन देखो हमारे सुनील प्रभु जी देखो इन्होंने लक्ष्मी को सत्संग क्या किया है, भक्तों घर में बुलाया, सत्संग वो और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, इसलिए समझो इनकी लक्ष्मी, खरी इतना नहीं इनकी जो धर्म पत्नी इनकी दो बेटी भी है, ये दोनों बेटी है ललिता विशाखा, दो बेटी इनकी है, कहती है दोनों बेटी की तो गले में कंठी पहनती है, तिलक लगाई भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भागवत में नरसिंह भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस समय नरसिंह भगवान अवतार में हिरण्यकश्यप को बलि किया और भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को कहते प्रहलाद कर मांगो बेटा, बोले प्रभु जी मेरे पिताजी को कल्याण करो उद्धार करो, क्योंकि आपको द्वेष करता था, आपका भक्तों को भी द्वेष करता था, आप इनको उद्धार कर दो। देखो ठाकुर खुद कहते हैं जिस वंश में एक भक्ति करने वाले बेटा जन्म हुआ ये नरसिंह देव का मुंह से निकली हुई, तो ये श्लोक है बोले कुलम पवित्र, बोले उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, बोले जननी की तारखा, जो माँ वो बच्चे को जन्म देते हैं, वो जो पिता बच्चे को जन्म देते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि वो पेड़ है, वो पेड़ का फल का सार्थकता कब, जब वो पेड़ फल ठाकुर के सेवा में लग जाए, कहती ये पिता माता के जीवन धन्य, बोले इतना नहीं
स्वर्गीय जो तुम्हारे पूर्वज लोग पहले चले गए वो हाथ उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले हमारे कितने भाग्य देखो, हमारे घर में भक्त जन्म हुए, मेरे घर में वैष्णव जन्म हुए, भक्ति कर रहे हैं, वो पूर्वज लोग है ना नाचना शुरू कर देते हैं, अभी हमें कोई चिंता नहीं। इसलिए एक पितर दोष होता है, नाम सुने हो पितर दोष उसे कहते हैं, अगर तुम्हारे पूर्वज लोग दुखी में है, उनको उद्धार नहीं हो रहा है, फिर ना घर में उनकी शांति सुख नहीं होता, तो पितर दोष घर में शांति सुख नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज लोग है वो दुखी है, उनको उद्धार नहीं हुआ। लेकिन वो सुखी कब होते हैं, इनके मुक्ति कब होता है, भगवान खुद कहते हैं नृत्यति स्वर्गे पितरि पितरे साम। जिन्हें इनकी पूर्वज लोग हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं, हमारा कितने भाग्य है, हमारे घर भक्त जन्म होंगे, हरि नाम करने वाले जन्म होंगे। कहते वसुंधरा वसतिश्च धन्या, मतलब जिस पृथ्वी को ऊपर में बच्चे जन्म लेते हैं वो व्यक्ति जन्म लेता है, कभी ये वसुंधरा पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है, अहो भाग्य है। अगर किसका बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए ना, राष्ट्रपति हो जाए, पिता माता कितने अभिमान करते आए, जैसे मोदी अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर, आप देखना बड़े दूर से अगर कोई संबंध होगा ना, बड़े दूर से कोई संबंध नहीं हो, क्या बोलेगा हमारी अमुक ये बोलने लगते हैं, परिचय देते हैं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर है। कहते उसी तरह यहाँ पर कहते हैं जगत में सबसे बड़ा अगर किसका पोस्ट है ना, कहते भक्तों का पोस्ट है, इनकी जैसे बड़ा पद जगत में किसकी है ही नहीं। इसलिए कहते अगर जगत में तुम बड़ा बनना चाहते हो ना, हीरो हीरोइन बनकर के बड़ा मत बनो, हाँ जैसे अभी सुशांत था ना, कोई मर गया, गया कब तक इनका नाम रहा, 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे कोई जगत में थोड़ी कोई नाम ले गए। हनुमान का देखो, हनुमान जी का बात कितने करोड़ साल पहले घर घर में अभी पूजा हुई, मीरा भाई कब आए, तुलसीदास कब आए, ध्रुव प्रहलाद कब आए, करोड़ों करोड़ों साल पहले आए, अभी भी इनका नाम जगत में अमर हो रहा है, अमर रूप में लिखी गई। कहते भैया हीरो बनना है ना, हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, हीरोइन बनना तो मीरा गोपियां जैसे हीरोइन बन जाओ, देखना दुनिया में तुम्हारी जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम होती रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान खूब जो प्रहलाद का महिमा ठाकुर जी गा रहे हैं, बोले तेरे जैसे बेटा जिस घर में जन्म हुए बेटा, तो पिताजी की मुक्ति क्यों चाह रहे हो, बोले त्रिसप्त भी पिता पूत, त्रिसप्त माने तीन सात कितना होता है 21, बोले तेरी 21 पीढ़ी उधार हो गए। इसलिए हमारे श्री सुशील प्रभु जी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे है ना गलत रास्ता पर चले जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे पत्नी ये सब के सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जरूर इनका कोई बहुत पुण्य होगा, जरूर इनकी पूर्वज भी बहुत पुण्य होगा। मैं नहीं कहता, ठाकुर जी कहते हैं जब पूर्वज का बहुत बड़ी पुण्य फल हो ना, तभी परिवार के लोग प्रभु की भक्ति में जमते हैं। और इनके जो परिवार, इनकी जो पत्नी है, क्या नाम तुम्हारी, क्या बिंदु, बिंदु हाँ, इसलिए ये जो ये कितना बहन तुम लोग, कितना बहन हो, तीन बहन है, और ये तीन बहन सबके सब यही बैठे हुए हैं, क्योंकि तीन बहन भक्ति तो है ही, भक्ति करती है उनका भैया बैठी, और जितने दामाद है ये सबके सब, और इनके जितने बेटे हैं ना माता जी बैठी हुई वो वहां पर पीछे बैठी, उनका पूरा के पूरा परिवार सबके सब भगवान की भजन करते, भगवान की भक्ति करते हैं। इसका मतलब है कहते बंसा में एक व्यक्ति भक्ति जन्म करे, भगवान नरसिंह कितने भक्त हो, जिनकी परिवार के पूरा परिवार में भगवान की भक्ति करते, भगवान के नाम उनकी बच्चे के बच्चे भी भक्ति करते हैं, इसका मतलब है इनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य है, तभी कोई भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्ति नहीं करते बच्चे सब गलत रास्ता पर, अभी पीना खाना गंदी 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 चीज में जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे कोई उल्टा सीधा रास्ता में कोई नहीं जाते, सबके सब वृंदावन आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम करते हैं। इसलिए इनके परिवार के लिए जोरदार ताली बजा जरूर, भगवान इनको ऐसे भक्ति दे, शक्ति दे, और ये लोग ऐसे भगवान की भजन करते रहे और भक्ति करते रहे और जीवन में खूब फलते फूलते रहे, भगवान की आशीर्वाद से। ठीक है, अभी हमारे बीच में और एक बाबा है, आपको थोड़ी सी ऐसी कथा सुनाएंगे। देखो जो बच्चे लोग ना, आप इनको साधारण मत समझो, अभी जो कथा सुना देंगे ना, करीब 15 साल पहले, कितना साल हो गया जो मंदिर आए, 10 साल हो गया,
इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस समय इनकी 1 लाख तनखा थी, उस समय उन्होंने छोड़ करके आए, अभी तो 4 लाख इनके रुपया होगा। और हमारे जो बीच खड़े ना, देखिए ये बच्चे भी कहाँ पर नौकरी करते थे, हेड ऑफ में नौकरी करते थे नाइडा में, इनका भी 1 लाख रुपया तनखा था, लेकिन इन्होंने भी सब छोड़ करके भगवान की भजन में, इन्होंने भी भगवान की भक्ति की। ये मत समझो जिसका घर में कमाने का कोई धंधा नहीं, पैसा नहीं, सब छोड़ छाड़ करके भगवान की भक्ति में ये लोग आगे नहीं। इसलिए भागवत में कहते विद्या भागवत मधि, विद्या हम कहते ना विद्या, विद्या मतलब क्या, ये संस्कृत वर्ड विद्या, वीद मतलब होता है जानना, क्या जानना, भगवान को जानना। इसलिए मीरा की एक भजन है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भक्त बना कोई, ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़ा से पंडित सो। ये मीरा बाई की शब्द है कि जगत में सब पढ़ पढ़ कर है, सब भुर्किए हो गए, बेकार हो गया, लेकिन कोई पंडित नहीं बना, पंडित कौन है, प्रेम जो ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सोई, वो असली पंडित है, जो भगवान की भक्ति जो प्रेम जो ढाई अक्षर जो पढ़ लिया ना, कहते असली पंडित वही है। इसलिए आप देखना संसार में जब सारा जीवन संसार करते करते जब शरीर छूट जाएगा, आप लोग देखे होंगे जब चार व्यक्ति, आप लोग थोड़ी सी आगे आ जाओगे, माताएं थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, सुशील भैया आप भी थोड़ी सी इधर आ जाओ, आप भी इधर आगे आ जाओ, आप अपना पास आ गया, आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, आप जो जो पीछे आ रहे हो पीछे बैठो, आगे बताओ जो पीछे आ रहे हो पीछे ही बैठो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, इसलिए कहते असली पंडित कौन बना है, कहते जो प्रेम है ना, ये जो ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिया ना, समझो सबसे बड़ा पंडित वही है। अगर सारा दुनिया तुमने पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम में ही तुम्हारी रुचि नहीं हुआ, कहते भगवान की भक्ति नहीं किया ना, ये पढ़ाई तुम्हारी देता है। देखो छोटी सी कथा सुनो, आप लोग तो स्कूल में सब पढ़े लिखे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, जब क्लास 5 आता है क्या बोलते हैं, भाई भैया किसी तरह से क्लास 5 को पास कर लो, बस बच्चों का ही उत्साह देते हैं ना, बच्चे अभी क्लास 5 को पढ़ लिया अच्छे तरह से, जब पढ़ लिया कहते भैया दुनिया क्लास 5 पढ़ता है, अभी 10th आए, बोले अभी ध्यान देते, 10th अगर बढ़िया से पास हो गया ना, बस बड़ा पास, अभी 10th बढ़िया मेंबर से ले आया, बोले दुनिया 10th, अभी 12th आया, बोले देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें बढ़िया मार्क लाएंगे, बढ़िया कॉलेज मिलेगा, बढ़िया सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे, अभी क्लास 12 भी बढ़िया मार्क लेकर के आ गया, बोले भैया सारा दुनिया 12 करता है, अभी तो कोई इंजीनियर डॉक्टर कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ो, अभी इंजीनियर डॉक्टर ने तो सीए कर दिया, भैया दुनिया करता है, तुमने कौन से बड़ी बात किया, अभी नौकरी ढूंढो, पढ़ाई लिखाई किसे लिए किया, नौकरी के लिए किया ना, अभी नौकरी ढूंढो, जब नौकरी मिल जाती है ना फिर कहते दुनिया नौकरी करता है, तुमने कौन सा वाली नौकरी कर दिया, इतने लिखाई पढ़ाई क्यों किया 25 साल तक, अच्छे घर से तुम्हारी शादी हो जाए, अच्छा छोरी नहीं तो अच्छा छोरा मिल जाए, इसलिए तो तुमने इतने पढ़ाई लिखाई किया ना, इसीलिए तो कहते हो ना बढ़िया घर में चले जाए सेटिंग हो जाए कहीं, अभी बढ़िया शादी हो गई, आप कहना जब शादी हो जाती है, हम लोग देखना तो दुनिया शादी करते, बच्चे जन्म दो, बच्चे को जन्म दो, फिर बच्चे जन्म देते हैं, जब बच्चे को जन्म देते हैं दुनिया कहते भैया तुम तो दुनिया को बच्चे सारा दुनिया देखा है, तुमने क्या अभी बच्चे को भी तुम बड़ा बनाओ, अरे बच्चे को भी उन्होंने बड़ा बनाया, बोले बच्चा बड़ा किया अपने बच्चों को शादी दो, आप देखना ऐसे करते करते जब जीवन पूरा बीत जाती है, जब जीवन पूरा खत्म हो गया, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आप लोग देखे होंगे 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते कि नहीं, देखे कि नहीं आप लोग ने, आप बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते, आप लोग बोलो यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब गोपाल होता, किसको सुनाते हैं, और जो ऊपर लेटा हुआ जा रहे हैं ना, बोले देखो अच्छे तरह समझो, बोले तेरे को जो बोला क्लास 5 पढ़ो ये तुम्हारे साथ में धोखे दिया, तुम झूठ बोला, जो बोला 10th करो ये भी तेरे साथ में धोखे दिया है, तेरे को हमने झूठ बोला था, बोला जो 12th करो बोले ये भी तुमको धोखे दिया था, बोले तुम इंजीनियर डॉक्टर करो तब तो तुमको धोखा दिया था, जब तुम नौकरी करो वो भी तुमको धोखा दिया था, शादी करो वो भी तुमको धोखा दिया था, बच्चे जन्म दो धोखे दिए थे, असली ज्ञान अभी तुमको दे रहे हैं, असली ज्ञान अभी तुमको सुना रहे हैं बेटा, इसलिए देखो हम भारतीय संस्कृति है, कहते जगत में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं,
कहते सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ दुनिया में किया हो एक सुई धागा भी यहां से तेरे साथ नहीं जाएगी। पत्नी रो रो कर जाएगी तो दरवाजा तक जाएगी, उसके आगे तेरे साथ में नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, वही पर जला करके वापस आ जाएगी, साथ में दिया जाएगा। इसलिए विदा करती है पायो जी में राम रत्न, जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही पाया, और जगह में से वही को पायो पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। इसलिए जो प्रेम जो ढाई अक्षर है कहते पढ़ा सो पंडित सोई, अगर जीवन में तुमने ये प्रभु की भक्ति कर लिया, भगवान की भजन कर लिया ना, समझो जीवन का सारे कर्तव्य तुमने पूरी कर लिया। लेकिन अगर सारे कर्तव्य दुनिया की किया लेकिन भगवान की भजन तुमने नहीं की, लास्ट में गोर आलू जीरो मिलेगा। इसलिए हमारे भारत में मरते समय इसलिए सुनाते हैं भैया राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य, मतलब क्या, अगर तुमने राम और कृष्ण का नाम लिए हो तभी तुम्हारी कोई गति, नहीं तो जीवन में कोई भी गति तुम्हारी नहीं। अब भागवत पढ़ कर देखो, मरने का बाद है ना, जब महाराज के सामने खड़े कर दिया था, जब महाराज प्रश्न करते हैं जीवन पार कर तुमने क्या किया, प्रश्न करते उसको तुमने क्या किए, नहीं बोलोगे नहीं हमने बेटा बेटी जन्म दिया, इतने फैक्ट्री गाड़ी वाड़ी बनाया, बच्चों को अमेरिका में लंदन में शादी किया, बोले भैया सारा दुनिया करती है। लेकिन जिसके लिए तुम्हें ये जीवन दिया था, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब भागवत पढ़ करके देखो, भगवान खुद कहते माता को, बोले माँ जब गर्भ में 7 महीना बच्चे को होता है वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु मेरे को नरक से निकाल दो। बोले क्या करोगे, फिर मैं समझ गया दुनिया में कोई किसी का नहीं, सुख का समय सबके दुख में कौन है, कोई नहीं, एक बार हमें केवल जीवन दे दो, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करना। हमने यही कसम खा करके माँ के गर्भ से आए, लेकिन कसम खा करके यही आए, इसलिए कहते कोटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को भेजने के लिए आए, उसको तरह दिया पीछे, और जो नहीं करने के लिए आए ना बस उसको पिछले, और जो करने के लिए आए उसको नहीं कर रहे, और जो नहीं करने के लिए आए उसमें ही लग गए। नहीं तो जगत में वीरा का नाम क्यों होता, हनुमान का नाम क्यों होता, गणेश जी के नाम क्यों होता, देवी की क्यों पूजा करते हैं, कारण है इन लोगों ने जीवन में भगवान की भक्ति की, भजन की। इसलिए भागवत में ध्रुव प्रह्लाद का नाम अमर अक्षर में आता है, लेकिन हमारी भैया की भैया की भैया का नाम कौन लिया, हमारे पिताजी के पिताजी का नाम कौन लिया, कोई नहीं ले रहे, क्यों आए खा आए संसार में खा पी करके 2-4 बच्चे जन्म के मर गए और कुछ किया ही नहीं, इसलिए जगत में इनका नाम नहीं है। लेकिन ध्रुव प्रह्लाद का भागवत क्यों नाम आ रहे, भजन किया भक्ति किया। हनुमान को घर घर में पूजा क्यों कर रहे हैं, एक बंदर को रामायण पढ़े होंगे, हनुमान खुद कहता है ऐसे जात में मेरी जन्म हुई है, सवेरे मेरे मुंह कोई देख ले मेरे नाम लेना दिन भर भजन नहीं मिली, हनुमान खुद कहते हैं, लेकिन मैं राम का नाम लेता हूँ राम का भक्ति करता हूँ, इसलिए घर घर में मेरी पूजा है। अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो ना, भगवान के नाम लो, भगवान की भक्ति करो, देखना जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक नाम रहेगी। कहते जगत जब प्रलय हो जाएगी ना, जब संपूर्ण जगत ध्वंस हो जाता है, उसको बाद में भी ग्रंथ का अंतर ध्यान हो जाता है, फिर दोबारा वही ग्रंथ आएगा, फिर तुम्हारे नाम दोबारा आएगा। इसलिए बड़ा बनना चाहते हो, हीरो हीरोइन नहीं बन करके भगवान के भक्त बन करके एक बार दिखा दो, देखो दुनिया में तुम्हारे नाम अमर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए बोलो, भगवान की नाम जप करनी चाहिए, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे, हम लोग कोई बोल नहीं रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे बार आप लोगों को मैं सुनूंगा जोर से, हरे कृष्णा अब जोर से आवाज समय धन्यवाद। अभी तो कोई बच्चा कुछ पता चले ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलो,
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जो लोग अभी तक नहीं बोले एक बार दोबारा बोलो, अगर कुछ नुकसान होता है तो हम यहीं पर हम आपका भुगतान कर देंगे, कुछ फायदा होता है भगवान का नाम लेने से तो आप नुकसान होगा तो हम देंगे। सब एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताली बजाओ। अभी हम लोग महाराज जी के मुखारविंद से सुन रहे थे भगवान नाम की महिमा। भगवान नाम जो कृष्ण नाम है, राम नाम है, कितना शक्तिशाली है। लेकिन इतनी आश्चर्य की बात है, इतनी हमारी विगत स्थिति है कि हमको भगवान के नाम पे विश्वास नहीं होता। कितनी विगत, मतलब पिछले 3-4 दिनों से हम यही तो सुन रहे हैं भगवान के नाम की महिमा ही सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी बार 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 सुनने पर भी विश्वास नहीं होता। नॉर्मल ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई नॉवल्स होती है, नॉवल्स से हम लोग विश्वास कर लेते हैं। मुझे याद है एक बार हम लोग कहीं कॉलेज में प्रोग्राम करने गए थे, तो वहां पर कोई स्टूडेंट मेरे से बोलने लगा कि आप ये स्क्रिप्चर्स की बातें बोलते हो, शास्त्र की बातें बोलते हो, शास्त्र ये सब माइथोलॉजी है, हम मानते नहीं इनको, शास्त्री कौन से बातें, कोई सच है क्या? किन किन लोगों ने हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर किस किस ने देखी है? वो मुझसे कहने लगा कि हैरी पॉटर में जैसे मैजिकल स्टोरीज है, कुछ समय बाद में आप क्या कहोगे कि हैरी पॉटर भी हमारा स्क्रिप्चर है, हैरी पॉटर स्टोरीज जो है वो भी स्क्रिप्चर है, जैसे उसके अंदर कुछ जादू की कुछ थोड़ा मैजिक है, थोड़ा थ्रिलर है, उसी प्रकार रामायण महाभारत में भी ये स्टोरीज तो है। तो आप तो कुछ समय बाद में कह दोगे कि हैरी पॉटर भी शास्त्र है, हम ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। तब उसको समझाने के लिए मैंने कंपैरिजन दिया था, देखो कि हमारे शास्त्र में जो बातें कही गई है आप उनको विचार करके देखो, और जो एक नॉर्मल ऑथर के द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स है, जैसे जो जिसने हैरी पॉटर लिखी थी उसकी लाइफ हिस्ट्री पर चेक करके देखो, उनमें आप दोनों को पता चल जाएगा ऑथर के लाइफ से ही। सबसे पहली बात तो वेदव्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे, जो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, जो त्रिकालदर्शी, जिनको सब चीज सामने विटनेस करके उन्होंने और शास्त्र में लिखा है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे शास्त्र में बताया है कि पृथ्वी गोलाकार है ना। पहले के समय में लोगों की क्या अजम्पशन थी कि पृथ्वी फ्लैट है। थोड़े सा आप आगे जाओगे तो क्या होगा, आप आगे जाके किसी गर्त में गिर जाओगे, क्योंकि पृथ्वी फ्लैट, पृथ्वी लोगों को ऐसा माना था चपटी है, पृथ्वी फ्लैट है ना। लेकिन कुछ समय बाद में हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है। लेकिन अगर आप हमारे शास्त्र देखोगे, वराहावतार, भगवान कृष्ण ने वराहावतार लिया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सुअर का भेष धारण किया और वो अवतार लेके उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पे उठाकर वापस धुरी पे स्थापन किया। आपने वराहावतार भगवान के दशावतार की फोटोज तो देखी है, देखिए ना वराहावतार कैसे हैं, उन्होंने अपने दोनों दांतों पे पृथ्वी को धारण कर रखा है। वहां पर बताओ पृथ्वी फ्लैट है ना स्फेरिकल है, फ्लैट है या स्फेरिकल है, स्फेरिकल है ना। तो हमारे शास्त्रों में तो इस बात को पहले से बता रखा है, जो अर्थ है पृथ्वी है, पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप है। ये तो भगवान का अवतार तो सतयुग में हुआ था, काफी पहले साइंटिस्ट लोगों ने तो उस चीज को अभी कलयुग में डिस्कवर किया है ना। हमारे इंडियन कल्चर में जो भी चीज हम फॉलो करते हैं, शास्त्रों में जो भी चीज बतलाई गई है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में अपनाई हुई है, कोई मनगढ़ंत काल्पनिक नहीं है। हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। आप देखो भारत में गाय की पूजा होती है ना, गाय को हम लोग माता मानते हैं, गाय का दूध पीते हैं, है ना, गाय की इतनी पूजा होती है, गाय को बताते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, यहाँ तक कि गौमूत्र और गोबर ये भी बड़ा ही पूज्य माना जाता है। कहीं पर भी शुद्धि करनी होती है तो उस जगह पर गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो गौमूत्र के कितने सारे बेनिफिट्स है, ये तो अभी कोरोना और बहुत सारे डिजीजेस आए या रामदेव बाबा पतंजलि इत्यादि से हमें पता चल रहा है रिसेंटली, लेकिन भारतीय संस्कृति में तो ये चीज कब से अपनाई हुई है, यस और नो, है ना, है ना। तो हमारे शास्त्र में जो बताया गया, इनफैक्ट आप देखोगे जो गोबर के कंडे होते हैं, हमारी माताएं लोग तो गांव में यही थापती थी पहले ही, जिन लोगों ने गाय पाली है जानते हैं गोबर से कंडे बनाते थे, उसी से ही खाना बनता था। लेकिन आज वही देख लो, वही काउडंग केक्स आप अमेजोन पे सर्च करना, ऑनलाइन बिक्री होते हैं,
गाय की इतनी महिमा भारतीय संस्कृति में तो पहले से ही है, लेकिन क्योंकि अब वो इतनी बेनिफिशियल है उसको जान के अमेजोन जैसी वेबसाइट्स भी आजकल गोबर के कंडे बेच रही है, और इंडिया में तो फिर भी कम प्राइस है। अमेजोन यूएस पे देखोगे ना $9 $10 में 10 पीस मिलते हैं, $1 का एक पीस। ये भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, क्यों? क्योंकि आजकल हमारी इतनी दुर्गति हो गई है, हम विश्वास ही नहीं रहा, हमारा शास्त्र पर विश्वास नहीं रहा, हमारे भारतीय कल्चर पर विश्वास नहीं रहा, इसी के कारण भगवान के नाम को उनकी सारी लीलाओं को भी काल्पनिक समझते हैं। हम देखो भारत में तुलसी, नीम, बरगद, ये सारे पेड़ों की पूजा होती है ना, पूजा होती है, जानते हो क्यों? हमारी माताओं को तो चलो इतना पता होता नहीं था, लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी एक चीज पढ़ा होगा, जब प्लांट्स दिन में सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक ना, डे टाइम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और रात में जस्ट ऑपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जिन पेड़ों की पूजा होती है भारत में, जैसे बरगद हुआ, तुलसी हुआ, नीम वृक्ष हुआ, ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो रात के समय पे भी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए ये पेड़ों की पूजा होती है भारत में, है ना। पहले के समय माताएं लोग कहती थी कि भैया रात के समय पेड़ के नीचे मत सोया करो, भूत लग जाता है, हा? वो भूत क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, सांस लेने में कष्ट होगा, रात में असुविधा होगी सोने में, इसीलिए मानो साइंटिफिक रीजन यदि ना भी पता हो तो भी जो हम कल्चर फॉलो करते थे उसके पीछे एक रीजन था, हेल्थ बेनिफिट पर्पज से, किसी भी पर्पज से देखो वो बेनिफिशियल था ही, लाभदायक था, है ना। तो ऐसे कई सारे प्रमाण हैं हमारे शास्त्रों में जो कि बतलाते हैं शास्त्रों पर विश्वास रहना चाहिए, हम जो भी चीज पालन कर रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। इसी प्रकार भगवान के नाम की जो इतनी हम महिमा सुन रहे हैं उससे हमें श्रवण करके क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, है ना। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करना क्यों भगवान का नाम लेना, भजन करना जरूरी है। एक समय पे एक भिखारी रस्ते पर दर दर भीख मांग रहा था, वहां से एक सेठ निकला, वो सेठ निकल के उसके जब भिखारी की बड़ी दयनीय स्थिति देखी, उसने कहा कि तुम देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, क्यों इतना भीख मांग के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं जॉब करो, कमा के खा सकते हो, वही चीज फॉलो करो। बोला मैंने ट्राई किया लेकिन बिजनेस में कभी सक्सेस होता नहीं, जो काम करता हूँ फेल हो जाता हूँ, इसलिए अल्टीमेटली भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा, भीख मांग रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दूंगा, मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा, मैं तुम्हें उसमें 50% पार्टनरशिप दूंगा, 50% तुम्हारा 50% मेरा। ये भिखारी सुनकर बड़ा खुश हो गया, सुबह सुबह मांग रहा ऐसी डील मिल जाए 50% की पार्टनरशिप, तो और क्या चाहिए। उसने पहले सोचा कि यार मजाक तो नहीं कर रहे हो, पता चले मेरा मजाक ले रहे हो। बोले नहीं नहीं मैं सच में तुम्हें विश्वास करके तुम्हें 50% नहीं, मैं 90% ओनरशिप तुम्हें दूंगा, महीने के एंड में 10% तुम प्रॉफिट मुझे लाके देना। ठीक है भैया, डील फाइनल हो गई। अब ये भिखारी को जैसे बिजनेस की ओनरशिप मिली, इसने तो बढ़िया से मेहनत करके बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो किया, और जैसे ही पहला महीना खत्म हुआ, यहाँ सेठ जी इंतजार कर रहे थे कि 10% आएगा, लेकिन भिखारी कुछ लेके नहीं आया। दूसरा महीना हुआ, दूसरे महीने में वेट किया, भैया अभी आएगा प्रॉफिट, तब भी कुछ नहीं आया। 3 महीने, 4 महीने, ऐसे 6 महीने गुजर गए, वो कुछ लेकर ही नहीं आया बंदा। सेठ जी यहाँ विचार कर रहे कि ऐसा तो ना हो मरमरा गया, भैया जाके देख ले। जैसे उन्होंने उसके भिखारी के पास में गए, देखा आलीशान घर बना लिया, घर के बाहर बढ़िया रॉयल गाड़ी खड़ी है, है ना। और जैसे घर में घुसा, उसके साथ में साक्षात्कार हुआ, पूछा उससे कि भैया तुम मुझे पहचानते हो? बोले हाँ आपको कहीं देखा तो है। देखा है? बोले मैं वही हूँ जिसकी बिजनेस की ओनरशिप लेके तुम इतने मौज मार रहे हो। अच्छा, बोले हाँ वही है ना, पहचान लिया। बोले हमारी डील हुई थी, तुम 10% मुझे दोगे, 90% तुम्हारा रहेगा। इतने भिखारी बड़ा क्रोध गुस्से से बोलने लगा कि 10% किस बात का 10%, पूरी मेहनत मैं करूं महीने भर और एंड में 10% लाके और तुम्हें दे दूं, 10% लाके तुम्हें किस बात का दे दूं, मैं सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूं, आप बताओ ऐसे धोखेबाज व्यक्ति का आप क्या करोगे, ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या सलूक करोगे? ऐसे धोखेबाज व्यक्ति हम ही लोग हैं, जानते हो, ऐसे फ्रॉड, ऐसे धोखेबाज, ऐसे नमक हराम लोग हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो भी चीज अवेलेबल हुई है भगवान ने दी है, हाँ कि ना, हमें जो भी चीज मिली है, घर बार पैसा, अल्टीमेटली देने वाले तो भगवान है,
भगवान से ही हमें सब कुछ मिला है, भगवान से भी हमारी डील हुई थी वही 90-10 वाली, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। जब एक जीव माँ के गर्भ में आता है वहां पर बहुत कष्ट पाता है, उल्टा लटका हुआ होता है, सिर नीचे पैर ऊपर, पेट के अंदर कितनी गर्मी होती है, वहां पर उसे कीड़े नोच नोच के खाते हैं और उसकी माँ जो भी खट्टा तीखा सब खाती है वो बच्चे की स्किन पे लगता है। बड़ी कष्ट के अंदर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो और बाहर निकलने पे मैं आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और इस माया में फंस जाते हैं, संसार में लग जाते हैं, है ना। तो वहां पर जो हम डील फाइनल करके आए थे उस डील पे हम अभी खरे नहीं उतर रहे। भगवान क्या चाहते हैं, हमारा 10% पैसा, 10% ऑफ आवर टाइम, हमारा 10% समय चाहते हैं। 24 घंटे के अंदर 10% यदि निकालोगे, कुछ 2 घंटे 40 मिनट होता है ना। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे इतना समय दो अपना, मेरा भजन करो। हर एक चीज के लिए तो टाइम देते हो, खाने के लिए शेड्यूल टाइम है, खेलने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, हर एक चीज के लिए टाइम है, तो भगवान का भजन के लिए क्यों नहीं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। मानव जीवन हमें मिला है भगवान का भजन करने के लिए, वो छोड़ के और दुनियादारी के सारे काम तो करते हैं, लेकिन जो डील फाइनल करके आए थे 10% जो फाइनल करके आए थे वो हम कर नहीं रहे, है ना। इसे सूरदास जी एक भजन लिखते हैं, कहते हैं जिनी तन दुही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलखामी। अर्थात मेरे समान कुटिल कौन होगा कि जिसने मुझे सब कुछ प्रदान किया मैं उसे ही भूल गया, मेरे समान नमक हरामी और कौन होगा। तो हम लोगों को वो नमक हराम नहीं बनना है, भगवान का भजन करना है। देखो हम लोग हर एक चीज हमें भगवान से मिली है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, है कि हाँ कि ना, है ना। लेकिन जो दिन में सूर्य बाहर जो इतनी रोशनी देता है उसके लिए किस किसने बिल दिया है, हाथ खड़ा करो कौन कौन बिल पे करते हैं। पानी सप्लाई से हमारे घर में आता है उसके लिए तो बिल देते हैं, लेकिन पानी जिसने बनाया उसके लिए किसने बिल दिया है। ऑक्सीजन देखो कोविड के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने महंगे मिल रहे थे, है ना। जन्म से अभी तक ऑक्सीजन एकदम नाक के पास में रख रखी है, किस किसने बिल दिया है, हाथ उठाओ, कुछ बिल पे नहीं किया ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे नमक हराम मत बनो, बिल पे करो, कैसे, भगवान का भजन करके, अपनी कृतज्ञता को समझो, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, और भगवान का भजन करो। जो भगवान के भजन की पद्धति बता रहे थे उनका नाम लेके उसी से ही हम थैंकफुल बन सकते हैं, ठीक है। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसलिए हमें अपना घर में वापस जाना है, इसलिए स्वामी महाराज जिन्होंने इसको किसने बनाया ना, उन्होंने मैगा जिन निकालते थे प्यार टू घर है, मतलब अपना घर में वापस चलो, है तो नहीं हमने तो घर बनाया, ये घर तो हमारा, ये घर तुम्हारी नहीं, ये रिफ्यूज होकर के आए हो, रिफ्यूज होकर के आए हो कि तुम्हारी घर नहीं है, एक दिन यहाँ उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। कहते अपना वास्तव घर कहाँ पर, तो गीता में कृष्ण कहते बोले अर्जुन माम ऊपर तू तू कब थे पुनर्जन्म राधिते, जो जीव का असली घर है मेरे चरण में, असली घर मेरे चरण में। आप देख लेना जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, देखो ना बढ़िया से बढ़िया होटल में रहो, बढ़िया से बढ़िया होटल, लेकिन वहां जो चैन मिलेगी, लेकिन जब तुम अपना छोटी सी कुटिया में आ जाओगे ना, जो चैन तुम्हारी छोटी सी कुटिया में मिलेगी वो बड़े से बड़े होटल में मिलेगी। लेकिन अपना घर में जब चले आते हो क्या कहते हैं, अपना घर में कहां गए हो, कहां गए, अपना घर में आए गए हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें असली घर में जाना पड़ेगा, असली घर भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे चरण भगवान का जो धाम है, जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट, जहाँ पर रोग व्याधि कुछ नहीं, ये तो मेरा धाम है, इसलिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाने के लिए ना, देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। जैसे हम अमेरिका या तो लंदन नहीं तो फ्रांस जाना चाहते हैं, बताओ तो हमारे पास में कितने चीज होनी चाहिए, कौन बोलेगा बताओ कितने चीज होनी चाहिए। 4-5 घंटे का 10 घंटे का रास्ता है, प्लेन फ्लाइट में जाओगे, तुम्हारे पास में क्या होनी चाहिए तो विदेश जा सकते हैं। बोला जोर से, कोई बोल नहीं रहा, क्या चक्कर है, जोर से बोला
पहला नंबर पासपोर्ट पर वीजा, दूसरा नंबर में वीजा और तीसरे नंबर में टिकट। अगर ये तीन चीज हो ना, इसे साधारण जगत में देखना, एक देश से तुम दूसरे देश जा सकते हो कि नहीं जा सकते है? क्या उसी तरह जब हम ठाकुर को पास में अगर जाना चाहते हैं ना, हमारे पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। कितना चीज होनी चाहिए? तीन चीज। पहला नंबर है हमारे पास में ये पासपोर्ट होनी चाहिए। बोले भाई पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी कंठ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम महाराज ये जम दूतों को कह रहे, भागवत पढ़ के देखो। जब महाराज जब 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 दूतों को बोले, जो भक्ति नहीं करते है ना, मेरे पास में पकड़ पकड़ के ले आ। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है, तो लक्षण बता दो। तब उन्होंने एक अच्छे उदाहरण दिया, जैसे यहाँ पर कुछ माताएं शादीशुदा बैठी हो, बैठी नहीं, हमें कैसे पता चलता तुम शादीशुदा हो? सिंदूर लगा है, मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहनते हो, नाक में बेसर है, हाथ में चूड़ियां है, देखने से पता चलता तुम शादीशुदा है ना, पता चलता है। उसी तरह जब महाराज कहते हैं जो भक्ति करते है ना, उनको पास में भी तीन लक्षण देखने को मिलेगा। देखो श्लोक बोले ललाटी तिलकम कंठे त्रिकंठिका, यहाँ पर भी बताते हैं कि गले में ये तुलसी की कट्टी पहने भी उनको देखोगे हैं, तुलसी की कट्टी। देखो अभी बता रहे थे ना प्रभु जी, हमारे भारत में जो कुछ हम करते हैं ना, ये मत समझो ये मन की कोई कपल कल्पना है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा साइंस है, बड़े बड़े साइंस छुपा हुआ है। ये जो तुलसी अभी जो कोरोना आया था ना, अब इंटरनेट चेक करके देखो, इसमें जो दवा था रामदेव बाबा ने निकला था सबसे पहले निकाले, उसमें 90% तुलसी और 10% उसमें दूसरे दूसरे चीज है। लेकिन हमारे भारत में देखो पहले से ही तुलसी को पूजा करते हैं, तुलसी में पानी देते हैं, तुलसी पत्ता खाते हैं ना, घर में कोई बीमारी हो जाए उबाल करके पानी पीते, पहले से उसी चीज को ले रहे हैं। इसलिए कि तुलसी में आप कहीं एक दवा ढूंढना जिसका नाम तुलसी पावर, आज ही ढूंढना मेडिसिन शॉप में, उसमें एक पेपर आप उसको पढ़ कर देखना, कहते 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी बिक, 200 कहते ऐसे कोई डिजीज नहीं जो तुलसी बिकस सही नहीं होता, इतने शक्ति ये तुलसी में, बहुत शक्ति है। इसलिए जैसे गले में कंठी स्नान किया पानी टच करते हुए सारा शरीर में जाएगा, बीमारी तक अपने आप निकाल देगा शरीर से। पुराण में तो बताया जो गले में तुलसी कंठी पहनते हैं स्नान करते हैं उसका पानी सारा शरीर में जाएगा, कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठे बैठे तुम्हारी नहाने हो जाएगा, इतने महत्व ये तुलसी की हैं। इसलिए आप लोग तो हिंदू है, देखना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती, देखे हो किसने? देखा सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी, बोले क्यों? बोले ये तुलसी ये लक्ष्मी है, अगर गले में कंठी तो तुम्हारे गले में कौन आ गई? माँ लक्ष्मी आ गई। हम बोलते वृंदावन चलो माँ के लिए, अरे क्यों? वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी वरना, जहाँ तुलसी की वृक्ष वहीं पर कृष्ण है। इसलिए गले में कंठी हो तो कौन आगे बताओ? कृष्ण और लक्ष्मी, नारायण और लक्ष्मी के निवास हो गए तुम्हारे गले में। एक व्यक्ति का चिकन पक्ष हो गया था, पूरा सारा शरीर में हो गया, लेकिन डॉक्टर ने देखा उसको गले में तुम्हारे नहीं हुआ। कारण था क्योंकि चूंकि गले में तुलसी की कंठी पहना हुआ था, इसलिए कभी वही स्थान में नहीं और पूरा शरीर में चिकन पक्ष हो गया था पूरा शरीर में। इसलिए इतने शक्ति। आप लोग ठाकुर को भोग लगाते हो? कौन कौन घर में ठाकुर को भोग लगाते हो? आप देखना जो कुछ दो मतलब छापा न भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानो, भले जो कुछ दो जब तक तुलसी प्रदान नहीं करते ना ठाकुर उसको ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि जो शरीर है वो एक टाटी पैसा पता थली और कुछ है ही शरीर में। आप सवेरे उठो मुंह से बदलो, नाक से बदलो, आंखों से बदलो, नीचे तो बदबू निकलती है। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ सज्जा करें बढ़िया सुंदर ब्यूटी, केवल धूप में आ जाओ 5 मिनट आ जाओ तुम्हारी रोम रोम से बदबू निकलेगा, निकलता कि नहीं पसीना आने पर। ये शरीर पंच रचित तो ये अधम शरीर है, लेकिन शास्त्र कहता है अगर गले में तुमने तुलसी कंठी पहन लिया ना, ये शरीर ठाकुर को समर्पित हो गया, आज से तुम तुम्हारी नहीं रहेगी, आज से तुम बांके बिहारी की तुमने बन गई। इतने महत्व गले में तुलसी कंठी धारण करने का, ये शरीर ठाकुर को हो जाएगा। मैं नहीं कहता जम कह रहे, जिसको गले में तुलसी कंठी होगा जम जो तो कभी उसको नहीं रहेगा। इसलिए और एक उदाहरण दी, जब महाराज जी कह रहे देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं बोलो जोर से? एक पालतू एक फालतू।
अब पालतू कुत्ते को कैसे पता चलता घर की पालतू गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते है, देखना उसको कोई मारते हैं। जो फालतू कुत्ते हैं बिने पट्टे के जो रोड रोड पे घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। ये अगर हमारी तुलसी इकट्ठी हो तो हम किसकी पालतू बन गए, बोलो किसके पालतू हो, बाकी ध्यान के बाद। और ये चीज समझो, जैसे कोई एक कामुक व्यक्ति है, बड़ा कामुक व्यक्ति है, हर चीज काम काम रूप देखती है, लेकिन कोई नई दुल्हनी आई, लेकिन यहाँ पर मांग पहनी, सिंदूर लगाई हुई, गले में मंगल सूत्र पहनी हुई, हाथ में शंखा पहनी हुई, लेकिन जो कामुक व्यक्ति उसके ऊपर नजर डालते है ना, नजर डालते ही छट उसका हाथ दूसरे तरफ चली जाती, क्यों, देखता है कि किसकी परिणता है, किसकी परिणता, किसकी घर की पत्नी है, क्यों सिंदूर लगा करके रखी। इसलिए कहते माया जब देखेगा तुम्हारी गले में तुलसी कंठी, तुमने तिलक लगाए ना, माया तुम्हारे ऊपर कभी नजर नहीं डाल सकती है, उसका नजर झट दूसरे तरफ पे घूम जाती, क्यों, किसकी परिणता है, किसकी दुल्हनी है। इसलिए कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हनी बना दो। घर में कंठी तिलक मतलब हम किसकी दुल्हनी है, बोले किसके दुल्हनी हो, ठाकुर जी की दुल्हनी। इसलिए जरूर गले में तुलसी कहते महीना, तुलसी की बड़ी महीना, और हम तिलक लगाते हैं, ये जम कह रहे हैं तो तिलक लगाते हैं, जो तिलक है ना, अब तो हिंदू लोग देखना जैसे कोई अच्छे काम के लिए जा रहे बिजनेस के लिए, हम तिलक लगा कर भेजते है ना, जा बेटा तुम्हारी काम बन जाए। घर में जैसे पुजारी आते हैं पूजा कराने के लिए, आप देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाते है ना, तब तक पुजारी पूजा नहीं करवाता है, हैं, तिलक के बगैर जो पूजा है ना कहती है निष्फल हो जाता है, तिलक के बगैर पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए आप देखना हमारे ठाकुर जी कहीं हो बाकी भी है, देखो यहाँ पर ठाकुर जी है, तिलक लगाए कि नहीं लगाए, आप कहें भगवान राम को देखना तिलक है कि नहीं, तिलक है, भगवान नारायण को देखो तिलक है कि नहीं, हनुमान जी को कहीं देखो तिलक है कि नहीं, गणेश जी को देखो तिलक है कि नहीं, 33 करोड़ देवता में कोई भी देवता को देखोगे ना, तिलक के बगैर कोई देवता भी नहीं रहते, वो भी तिलक लगाते, इतने तिलक की महत्व। और देखो ये जो तिलक है ना, देखो मेरे तरफ में तिलक ऐसे उर्ध्व पंडर होनी चाहिए, ये जो है ना ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु है, और ये महेश, ब्रह्मा विष्णु ये महेश का निवास है, और ये दो ठाकुर का चरण है। अब नीचे देखो जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देता है ना, देखो इसका जो सेप है वो तुलसी दल जैसे, ठाकुर के चरण में तुलसी दिया, ये हरि मंदिर है। जो व्यक्ति ये तिलक को दर्शन कर ले उसको ठाकुर का दर्शन करने का फल मिल जाती है। और हम गोपी चंदन लगाते हैं जो द्वारका से आता है, नारद जी इसको उन्होंने ले करके वृंदावन से द्वारका में गए थे। अब कभी कोई द्वारका गए हो, कोई द्वारका वहां पर एक गोपी तालाब देखोगे, वहीं से ये तिलक आती है, भक्तों का ब्रज रज है, ये तिलक की बड़ी महिमा है। इसलिए और जो तीसरा है टिकट है, पासपोर्ट वीजा हो गया, अभी टिकट चाहिए, बोले टिकट क्या है, बोले ठाकुर जी का जो नाम है ना यही हमारे लिए टिकट है। इसलिए देखना अंतिम समय में इसलिए तो राम नाम सत्य करते करते ले जाते हैं, इसलिए तो गोपाल नाम सत्य करते करते ले जाते हैं, कारण क्या है, यही तुम्हारी टिकट है। अगर ये टिकट अगर तुम्हारे पास है ना, तो भगवान को पास से तुम कहीं रोक नहीं सकते। इसलिए बोले हरी से बड़ा हरी का, हाँ देखो 2 मिनट की स्टोरी सुन लो, उसके बाद में राम लोग प्रसाद लेकर जाओ। ध्यान देखो मैं जितनी कथा सुना रहा हूँ सब याद रखना और दूसरों को भी सुनाया करना, ठीक है, ऐसे नहीं यहीं पर खत्म कर दोगे, आएगी छोटी स्टोरी सुन लो, ये रामायण की कथा है। बोले एक समय एक राजा था जिसका नाम था सुकार, ये सुकार को जा रहा था कहीं सत्संग में, इतने में बीच में नारद जी मिले, बोले सुकार जी कहाँ जा रहे हो, बोले सत्संग में है, सुमेरु पर्वत में आज बड़े बड़े संत लोग आएंगे, वो सत्संग होगा, बड़े बड़े राजा लोग ऋषि लोग सत्संग में जा रहा। इतने में नारद जी बोले देख बेटा जब जाओगे ना सबसे पहले संतों का चरण छूना, बोले आप लोग तो यही सिखाया हमको, पहले जाकर के संतों की चरण हमें स्पर्श करनी चाहिए, आप लोग ने सिखाया, गुरुजन ने सिखाया, हम जरूर संतों की चरण छूएंगे। जब जा रहा था बोले इधर उधर, बोले क्या कह, बोले एक काम करियो वहां पर देखना वहां पर विश्वामित्र भी हुए, बोले जरूर हुएगी, जब सारे संत विश्वामित्र भी हुएगी, भगवान राम का गुरु है, बोले एक काम करना उनको चरणों को स्पर्श नहीं करना, बोले क्यों, जब सारे संत बैठे हुए होंगे संत के चरण छुएंगे उनकी क्यों नहीं छुएंगे, बोले बोल दिया ना वो पहले भी क्षत्रिय थे,
वो फिर तपस्या करके पहले उन्होंने ब्राह्मण को प्राप्त किया, पहले तुम्हारी जैसे कहती थे, बोल दिया चरण नहीं सुन, बोले ठीक है नारद जी, बोले सारे संत लाइन से बैठे जाकर के सब संतों का अपने चरण छू, सब संतों का चरण छू, लेकिन विश्वामित्र का चरण नहीं छू। अगर आप लाइन से बैठे हुए अगर सबका चरण छो एक को नहीं छो क्या होगा, उनको निगलेक्ट होगा ना, उनको अपमान बोध होगा। विश्वामित्र इतने अपमान भोग दिए, सबका चरण छुए गए राम का गुरु भगवान का, अरे मेरे चरण नहीं छुए, बड़ा क्रोध आया। जब वो सत्संग खत्म हुई ना, विश्वामित्र तंत मात्र हुए सीधा अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे प्रभु राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरा कर रहे थे, बोले अभी अभी मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण बोले थोड़ी दूर आप अपेक्षा करो, प्रभु विश्राम कर रहे, विश्राम को बाद में मिलना। बोले नहीं अभी अभी मैं मिलना चाह रहा हूँ, जिस देश का राजा इसे सोते हुए होते हैं उनके देश में इसे अनहोनी होती है। लक्ष्मण के साथ में तक अभी तक प्रभु सो रहे थे, बोले गुरु जी की आवाज क्या आना, इतने भगवान राम उठे आग्र विश्वामित्र जी गुरु जी की चरण छे। बोले गुरुदेव क्या बात है आप इतने क्रोधित क्यों, बोले मेरे नहीं ये संत समाज के अपमान है, ये सुशांत राजा ने सारे संत बैठे हुए थे सबको चरण छुए, तो बीच में मेरे चरण नहीं छुए, इसलिए मेरे लिए नहीं सारे संतों का अपमान है, मेरे चरण में मैं सर नहीं नमाया। भगवान राम को क्रोध आया, बोले जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी की चरण नहीं छुआ कल उसका सबरे सर काट दूंगा, सूर्यास्त के बाद में उसका सर ही नहीं रहेगा। इतने में अभी ये खबर धीरे 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 चलते हुए सुशांतों को पांच मिनट पहुंचा, सुशांत सुनकर बोले ठाकुर जी प्रतिज्ञा किए कल सवेरे मेरे सर काट देंगे, भगवान से कौन बचा सकता, रावण जैसे बचाएंगे। वो तो कहां उठा, इतने में उन्होंने नारद जी को ढूंढा, भैया नारद पता नहीं कहां मेरे को फंसा दिया है, बोले इतनी चरण नहीं छूना कितने गड़बड़ी हो गया, ढूंढे लेकिन मिल नहीं रहे, जब नहीं ढूंढ रहे तो अपने आप मिल गए, जब ढूंढ रहे मिल नहीं रहे। नारद गौती के ना वो बड़ी परेशानी नारद नाम, इतने में श्री नारद जी बिना बजाते हुए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय सुशांत चरण में गिर पड़ा, बोले अब क्यों मेरे को फंसाया बीच में, बोले नारद जी को प्रणाम नहीं करना, अभी भगवान राम ने प्रतिज्ञा की कल सवेरे मेरे को मार डालेंगे। नारद जी बोले भैया ये मरते जगत में सब तो मरना पड़ेगा, बचा देखो जगत में कोई जिंदा रहता है सबको एक दिन मरना पड़ेगा, बोले मैं मरना नहीं चाहता, बोले पूछ लो कोई मरना चाहते, कोई मरना चाहते हो, कोरोना आया तो घर में सब बंद कर दिया, कोई घर से निकल नहीं रहे थे है, इसे कौन मरना चाहते दुनिया, कोई भी मरना चाहते लेकिन मरना पड़ेगा सबको, पड़ेगा कि नहीं सबको, बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसे दुनिया मरता, बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ बुढ़ा होकर मरूंगा लेकिन मरूंगा। इतने में नारद बोले एक काम कर तू, अगर तुम मरना नहीं चाहते ना तुम अंजना जी की शरण में चले जाओ, अंजना कौन है, हनुमान जी की माँ, अंजना की माँ शरण, माता जी बड़े दयालु होती है उनकी शरण में चले जाओ, लेकिन पहले बोलना नहीं राम मारना चाहते हैं, पहले बोलना विश्वामित्र मरवाना चाह रहे हैं, ना विश्वामित्र मारना चाह रहे हैं। वो सीधा गए अंजना जी के चरण में गिरे, रोने लग गए, अरे माता का हृदय कोमल होता है स्वाभाविक रूप में, बोले बेटा क्या बात क्यों रो रहे, बोले माता जी पहले प्रतिज्ञा करो मेरे प्राण रखा करो फिर करूंगा। माता जी बोले ठीक है बेटा बताओ, मैं कोशिश करूंगा तेरे प्राण बचाने के लिए। बोले कल सवेरे विश्वामित्र मेरे को मारना चाहते, कौन मारना चाह रहे, विश्वामित्र मारना चाहते, बोले विश्वामित्र संत क्यों मारेंगे, बोले हाँ जी, बोले ठीक है बेटा तू अंदर बैठ गया। और बैठ गए, हनुमान जी शाम को आए प्रभु राम की चरण सेवा करते हुए, देखा माँ बड़ी दुखी होकर बैठी हुई, बोले माँ हनुमान की माँ दुखी, अगर ऐसे बेटा रहते हो माँ दुखी बेटा का क्या महत्व, बता माँ क्या बात क्या है, बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति की प्राण रक्षा करना पड़ेगा, बोले कौन, बोले ये सुकार ये शरणागत उसको प्राण रक्षा करना। हनुमान बोले बताओ क्या बात है, बोले आप पहले प्रतिज्ञा करो मेरे प्राण रक्षा करो फिर बोलाऊंगा, बोले जरूर मैं तेरे प्राण रक्षा करूंगा बताओ बात क्या है, बोले कल सवेरे प्रभु राम मेरे को मारना चाह रहे, कौन मारना चाह रहे हैं, अंजना बोले तू तो बोल रहा था कि विश्वामित्र मारना चाह रहे, ये राम का नाम कैसे आ गया,
बोले विश्वास कर राम को द्वारा मरवाना चाह रहे हैं। अभी तो हनुमान को बुरी तरह से फंस गए। अगर और कोई व्यक्ति होता तो मेरा क्या कर लेता, मेरे प्रभु जो उसका सत्य संकल्प है, जो संकल्प कर तो सच होता है। इतने में बोले नहीं मेरे प्राण बचो। हनुमान जी बोले ठीक है कोशिश करता हूँ। सवेरे सवेरे हनुमान पहुंच गए अयोध्या। प्रभु को देखा, प्रभु एकदम सर खच करके अपना धनुष बाण लेकर के तैयारी हो रही। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सुता तो मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को क्यों मार को छोड़ दो ना। बोले उसने मेरे गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं किया है, जिसने सर नहीं झुकाया उसका सर रहने का लायक नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु मैं भी फंस रही हूँ। बोले किस चीज में? बोले सुता तो मैंने बात दे दिया तेरे में प्राण रखा करूंगा। बोले तुमने कैसे रखा, कैसे बात दे दिया? बोले मेरे को पता ही नहीं था पहले, मैं तो फंस गया। बोले तू जो करना कर, मैं तो जरूर मारूंगा। इतने में हनुमान जी आए। हनुमान जी सुता तो बोले आप मेरे साथ में आ जाओ। तब उनका साथ में लेकर गए। बोले मेरे पूछ का नीचे बैठ गया और पूछ का नीचे बैठ करके हम दोनों ठाकुर का नाम जप करते हैं। पास बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम। बोला रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम। जय रघुपति राघव निकाले। भगवान राम जब अपना धनुष में हाथ लगाते ना वो एक गुण होता है, जब निकालते 100 गुण होता है, जब चढ़ाते 1000 गुण, खेचते हैं लाख, जब छोड़ते हैं वो करोड़ गुण बन जाता है, जब लगता है ना वो प्राण ले लेता है। ऐसे भगवान की बाण है। लेकिन देखो ठाकुर का नाम जो लेते हैं इसकी कितने शक्ति है जी को देखो। इतने में भगवान राम उठाया धनुष, धनुष उठा करके जब मारे उन्होंने, लेकिन वो दोनों क्या कर रहे थे? ठाकुर जी की नाम जप कर रहे थे। इसलिए कहता ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। लेकिन जब प्रभु का नाम ले रहे थे ना वहां पर एक चक्र, नाम रूपी चक्र ये उनको रखा कर रहा था। लेकिन जब प्रभु राम ने बाण मारे, देखा बाण तो मारते हैं लेकिन जो चक्र में लगकर गिर जाता है, वो चक्र में लगता है गिर जाता है, वो चक्र में लगकर गिर जाता है, बाण कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, भगवान जी का अमोघ बाण। इतने में लक्ष्मण बड़ा क्रोध आए, बोलते बड़ा तंग कर रहा है प्रभु को, है ये प्रभु को तंग कर रहा है। इसने उन्होंने किया कि सुशांत को छोड़कर हनुमान को कुछ पूछ कर नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने बाण को उन्होंने मारे हनुमान जी को गर्मी कि उसको पूछ। लेकिन जो हनुमान ना उनको छाती में जाकर के बाण लगा, लेकिन लगा तो हनुमान की छाती में। इतने में भगवान राम बेहोश हो, राम बेहोश हो, क्यों बेहोश हो गए? हनुमान के हृदय में कौन बैठे है? कौन बैठे है? राम बैठे है। इसलिए लगा तो ठाकुर जी बेहोश हो गए। जो बेहोश हो गए लक्ष्मण तो ये क्या हो गया, बाण तो हनुमान में लगे तो बेहोश हो गए। इतने में किसी तरह से प्रभु का होश दिलाए। जब होश दिलाए इतने में भगवान राम सुता को बुलाए, बोले बेटा ये बताओ कौन सा सत्संग से तुम्हारी ये दुर्बुद्धि हुई, तुमने विश्वामित्र को चरण में प्रणाम नहीं किया। बोले ठाकुर जी असत्संग से नहीं सत्संग से। बोले सत्संग से? बोले कौन? बोले नारद जी ने बताया। ये नारद जी की नारद जी की कृपा से मैंने ये काम किया। भगवान ने पूछा नारद ये बताओ तुमने ये झगड़ा क्यों लगाया, ये सब गड़बड़ी की थी। बोले प्रभु जी सारा दुनिया में मैं जहां जहां जाता हूँ ना सबके सब एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। अभी मैं कितने लोगों को उत्तर दूं, मैंने सोचा ऐसे के काम कर दूं दुनिया को क्या पता चले, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंग में दिखला यह परिणाम, अंग में दिखला यह परिणाम, हरि से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु।
इसलिए प्रभु मैंने ये काम किया है। इतने में विश्वामित्र जी आए, नारद जी सुसात को बोले बोले जल्दी जा, जा करके विश्वामित्र चरण में गिर जाओ। देखो संतों का जो कमजोरी है ना कारण चरण में, जितने बड़े क्रोध क्यों नहीं हो, बस चरण में संतों को गिर जाओ, एक बार प्रणाम कर देना संतों को, बस पानी पानी निकल दे। और संत हृदय नवनीत समना, वो क्या करते हैं, वो संघार नहीं करते, संभालते रक्षा करते हैं। जब विश्वामित्र के चरण में गिर कर रोने लग गए, विश्वामित्र जी खुश हो गए, बोले प्रभु राम मैं खुश हो गया हूँ, इसका अपराध को माफ कर दो। तो उन्होंने माफ कर दिया। देखो जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं ना, उतने शक्ति है, भगवान भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाते, भगवान भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाते, इतने नाम में शक्ति है। और अंतिम समय में यही नाम ही हमारी मदद करेगा, यही नाम ही जाएगा, और अंतिम समय में कुछ भी हमारे साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए जीवन में क्या करनी चाहिए, भगवान के नाम को हमें जप करनी चाहिए। उनका 10 वर्ष ले दिया करो, कितने कितना देना है 10 वर्ष, कितना 2 घंटा 40 मिनट है, 2 घंटा 40 मिनट ये देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना नहीं दे पाते हो कम से कम थोड़ी समय तो दो, सवेरे नहा धो करके, इसलिए हम अपना काम कर्तव्य मानते संसार में, ये कर्तव्य हमारी थोड़ी समय के लिए सारे कर्तव्य को पीछे रख लो, क्योंकि संसार का कोई कर्तव्य तुम्हारे काम में नहीं आए, कोई काम में आने वाली नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं ना, देख लेना पति को कैसे खुश करे, अपना सास को कैसे खुश करे, ननद को कैसे खुश करे, पत्नी को कैसे खुश करे, बच्चों को कैसे खुश करे, इसलिए तो करते हो ना, इसलिए तो करते हो ना। देखना सबको दुनिया में सबको खिला पिला कर रोटी बच गया ना, कुछ नहीं बचा, नमक संग रोटी खा लेते, खाते कि नहीं करते। आप बताओ दुनिया को खुश करिए करता हो, अभी तुम्हारी पर कोई खुश है बोल दो, तुम्हारी पति खुश ना, ननंद खुश ना, जेठ खुश ना, बहू खुश, देखना तुम्हारी पीछे सबका चुगली होती हो, सब तुम्हारे पीछे चुगली तुम्हारी करते होगी। ये दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन खुश एक तो बांके बिहारी को, केवल एक बांके बिहारी को कर लो खुश, बस अगर खुश हो गया दुनिया खुश हो गई, अगर वो खुश नहीं होगा तो किसी को खुश करके तुम्हारे पे लाभ वाले नहीं। जब जो बदनामी देंगे तुम्हारी, जब उसी के लिए पीछे दिन भर लगे हुए हो, जब तुमको सुनाम देने वाले ने सुदामा जी भगवान को 2 बटे चिड़वा दिया, तो त्रिभुवन कराते ठाकुर को दिया, भगवान के अंगुल कट गई, द्रौपदी थोड़ा बैंडेज कर दी, सारी पार कर गई, जब हरी सभा में लाल जा रही थी, देखो महाभारत जिसके 5-5 पति, कितने पति 5-5 पति, अगर हमारी कोई एक पति पैसा वाला हो ना, धन वाला हो, छाती हाँ चौड़ा करके चलते हमारे पति, लेकिन पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जो था 5 बार, कोई काम में आए, उसके काम में आया तो कौन आए, उसकी एक मुरली वाला आए, कोई काम नहीं आए, संसार में कोई तुम्हारी काम में आने वाले नहीं, केवल एक मुरली वाले काम आने वाले, ठीक है ना। इसलिए घर का सारे काम को छोड़ करके थोड़ी समय बैठो, और बैठ करके ना जो माला देख लो, आपको बता देता हूँ माला करना, ठीक है ना। इसमें हरे कृष्ण मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके ना एक बोल सकते, ठीक है। देखो हरे मतलब होता है दुख कष्ट को जो हरी, कृष्ण मतलब होता है जो शांति दे, चंचल मन को भटकने नहीं दे, हरे राम मतलब होता है जो जीवन में आराम दे। हम तो इसलिए सुन करते हैं, इसलिए करें शांति मिले, सुख मिले, आराम मिले, लेकिन प्रभु का नाम से सब कुछ मिलेगा, प्रभु के नाम से सब कुछ मिलेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो महाप्रभु का नाम, फिर एक समय उन्होंने भक्त लोग महाप्रभु को निमा कर दी, कृष्ण स्वयं ने बोले प्रभु हमारी घर में भोजन, भगवान बोले मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करोगे, बोले जो लखपत बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपत मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा, फिर हमारे घर में भोजन नहीं करेंगे। देखो ठाकुर जी क्या करते, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जो करते वही असली लखपति है। देखो कैसे लखपति कैसे बारे में देखिए, कैसे ये माला जब करती है ना, देखो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया 16 बार हो गया। जब एक मोती सरका है ना 16 नाम हो गया, दूसरे मत में दूसरे 16, इसमें 108 मोती है। जैसे अगर यहाँ खत्म हो जाती है, ध्यान देकर देखो इसको पार नहीं करना, नहीं करके उसको ऐसे
घुमा देना, घुमा करके दूसरे तरफ से करना। अगर ऐसे 16 राउंड कर लिया ना, हो जाता है 25,000। अगर तुमने 64 माला कर ली ना, 1,00,000। भगवान कहते 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? बोले दीन दीन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 या तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में ना 2,00,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2,00,000 हो जाएगी। और यही अभी अंतिम समय में तुमको ब्याज समेत यही धन तुमको प्राप्त होगा। इसलिए ठीक है ना, इसलिए क्या करना, भगवान की नाम जप करना। कौन कौन नाम जप कर रही? हाथ का हाथ नहीं उठाना, क्या चक्कर? ठीक है, अगर जिनको जिनको इच्छा हो ना, हम भी भगवान की माला जप करना चाहते हैं, जब ये कीर्तन हो जाएगा आपके लिए हमें भी माला लाया हूँ। जिसकी इच्छा होगी आप भी लोग करके माला जप करना, और कोशिश करना तुम्हारे बच्चों को भी नाम जप करा। ठीक है ना, देखो जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन चंचल है, अशांत है, वो बच्चे को भी उनका नाम जप कराओ, देखना उसको पढ़ाई भी अच्छा होगी, मन इधर उधर नहीं भटकेगा, मन को शांति मिलेगी। आप स्वयं देख लेना, आप भी हरि नाम करना, देखना आपको मन को भी शांति मिलेगी और मन को भी सुकून मिलेगी। ठीक है, सबके सब हरि नाम करो, और अपना बच्चों को भी भक्ति मार्ग में, अपना बच्चों को भी चलाओ। बच्चे भक्ति मार्ग में चलेंगे तो घर तुम्हारी भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। अरे हम लोग भागवत कथा करने के लिए आए, एड्रेस क्या है बोल दो तो, एड्रेस कहाँ पर? जोर से बोलो, हम कहाँ पर? हमारा जगीपुर। कितना दिन हो? 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। आज 3 दिन और 5 दिन की कथा होगी, इसलिए पता नहीं, बताओ तो कहाँ पर हम कथा करेंगे। अपना घर का एड्रेस भी बता सकते हो आप? बोले ना कहाँ? क्या बताओ प्रभु, तुम्हारे घर का एड्रेस बता, जोर से बोला। सुपर गोल्ड। अरे मेरी मम्मी हमको ज्ञानपुर बोलो, जानी।